वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए बताइए मुझे सबसे पहले तो ये बताओ यहाँ पे क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को यस और नो बताइए आप फटाफट एम आई ऑडिबल क्लियरली ऑल ओके एवरीथिंग इज क्लियर डन ओके चलिए बेटा डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे हमारे आगे बढ़ने के पहले एक लंबी सांस लो और कहो यस मेरे साथ यहाँ पे ये प्रैक्टिस डेली मॉर्निंग में आपको करना है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ शुरुआत करनी है सो so, दोस्तों यहाँ पे जो है लंबी सांस लो और कहो यस कहो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा आपके लाइफ में और आपके इस बिज़ी शेड्यूल में डेफिनेटली ये मॉर्निंग मौर्नि मॉर्निंग की जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है आपको बहुत हेल्प करेगी तो so, दोस्तों आग बंद करके लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा बोलो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करना है तो so, चलिए इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज के हम शुरुआत करेंगे सो so, दोस्तों यहाँ पे यस <coughs> दो मिनट चलिए तो हम चैप्टर वन देख रहे थे आ, बहुत सारी चीज़ें सामने आई नई नई चीज़ें सामने आई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत डर हो सकता है कि श, सर वर्ड्स पे कैसे ग्रिप आएगी तो मैं आपको कह दूं कि जो कस्टम्स के मार्क्स एलोकेशन आपको है कौन से चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज होगा और कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं कौन से सेक्शंस आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करने हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस में लेना या ये सेक्शन या ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है उतना अच्छे से कर लो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और दोस्तों अगर फाइनल में आपको आई में अबो एटी जाना है तो यस यहाँ जो है आपका कस्टम अच्छा होना जरूरी है इसलिए मैंने स्टार्ट कस्टम से किया क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं और जीएसटी अच्छा कर लेते हैं कस्टम्स फिर यहाँ पे रह जाता है लेकिन मेरा कस्टम से स्टार्ट करने का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर था कि मुझे ये बात यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से पता है कि अगर आपका कस्टम्स अच्छा होता है तो आप अवो ए स्कोर कर सकते हो इसलिए स्टार्ट से ही हमने कस्टम ले लिया सो दैट ग्रेजुअली जैसा आप रिविजन करोगे यस yes, ये ईजी होते जाएगा आपके जो भी क्वेश्चन या डाउट हो गए हम बाद में लेते हैं सबसे पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं सो आर यू रेडी यस और नो चलिए यहां पर हमने सेक्शन 12 देखा था सबसे पहले आर्टिकल 265, 245, 246 टू फाइव टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स हमने देखा था चलो दोस्तों ओके हम थोड़ा यहाँ पे आते हैं कुछ डेफिनेशंस कन्वेंस व्हीकल और ड्यूटीएबल गुड्स इसमें आपको ध्यान रखना है ड्यूटीएबल गुड्स ड्यूटीएबल गुड्स और इंपोर्टेड गुड्स में क्या डिफरेंस है एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूटीएबल गुड्स मतलब जिस पर लाइबिलिटी है लग चुकी है फिर पे करना बाकी है यहाँ पे जैसे 12 परसेंट या फिर 10 परसेंट लाइबिलिटी है लेकिन नील रेट या एग्जम गुड्स होगा तो वो ड्यूटिएबल नहीं माना जाएगा पर वो इंपोर्टेड है वाई इंपोर्टेड है, वा इंपोर्टे है? गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया वो इम्पोर्टेड बोला जाएगा पर ड्यूटी नहीं है ओके तो एक थीन लाइन डिफरेंस है ड्यूटिएबल और इम्पोर्टेड गुड्स में ड्यूटिएबल गुड्स मतलब जिसके ऊपर लेवी आ चुकी है और पे करना है पर इंपोर्टेड गुड्स मतलब एनी गुड्स इंक्लूडिंग एग्जमटेड इंक्लूडिंग नील रेट ओके एनी गुड्स ब्रॉट इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया ठीक है चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व में ओके okay, ये चार्ट अगर आप सामने रखोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा ओके okay, ये चार्ट क्या कहता है <clears throat> Except as provided in this Act or any other law for typing in force, duties of custom shall be levied. रेट्स कस्टम एक्ट से आएंगे ऑन गुड्स विच आर इंपोर्टेड इन टू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया तो अब गुड्स की डेफिनेशन क्या थी ये ये डेफिनेशन आपको कस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अच्छे से याद रखना है गुड्स इंक्लूड्स वेसल एयरक्राफ्ट, व्हीकल स्टोर बैगेज करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ आपको एक बात याद आनी चाहिए कि जब पहली बार वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल इंडिया में आएगा सुनिए ध्यान से जब पहली बार वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल इंडिया में आएगा ओनरशिप में आएगा तो उसके ऊपर ड्यूटी लग जाएगी वंस इट बिकम कन्वेंस तो बार बार नहीं ड्यूटी लगेगी ओके okay, बस पहली बार लगेगी उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टोर्स स्टोर्स मीन्स गुड्स फॉर यूज इन अ वेसल और ए क्राफ्ट यहाँ पे आपको एक पॉइंट एड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं इट डज नॉट कवर्ड व्हीकल ओके व्हीकल इसमें कवर्ड नहीं होता है ठीक है uh, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ओके okay, यानि जो भी गुड्स एज अ स्टोर्स व्हीकल में आएगा ओके okay, तो उसको स्टोर्स के जो बेनिफिट्स आगे सेक्शन 85 से लेके तो 93 तक दिए वो नहीं मिलेंगे यानी 85 से 93 में जो सेक्शन ये सेक्शन में जो बेनिफिट्स स्टोर्स को दिए गए हैं वो सिर्फ वेसल और के केस में दिए गए हैं बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन 85 से लेके सेक्शन 93 में हम देखेंगे इंक्लूड्स पार्ट्स और अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट बैगेज इंक्लूड्स अनकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज क्या है बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल्स चलिए अब ओके गुड्स इंपोर्टेड इन टू इंडिया अब इंडिया जो है ओके okay, जो डिफाइंड हुआ है ओके okay, यहाँ पे इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया ध्यान रखे हम जब सेक्शन ट्वेल्व की लेवी फिक्स कर रहे हैं तो हमें टेरिटोरियल वाटर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ओके एंड इट कस्टम्स में टिटल वाटर पे लेवी फिक्स होगी लेकिन इसके साथ एक क्लैरिफिकेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और वो था अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और गैसेस है और उसका सप्लाई गुड्स होगा तो वहाँ इंडिया जो है फॉर डिसाइडिंग द लेवी लाइबिलिटी वहाँ इंडिया जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक रहेगा आई होप यू अंडरस्टूड ओके okay, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडिया रहेगा उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्ट इम्पोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इन टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया ओके तो पर ध्यान रहे ओके okay, इससे हम ये इंटरप्रिटेशन तो ले सकते हैं कि जैसे ही उसने वॉटर क्रॉस कर दिया इंपोर्ट बोला जाएगा पर इसके साथ एक केस आपको जरूर याद रखना है और वो केस कौन सी गार्डन सिल्क लिमिटेड लिमिटेड और अपार इंडस्ट्री वो केस में क्या बोला गया था वो केस में ये बोला गया था कि इवन दो सेक्शन कहता है कि जब ब्रिंगिंग इन टू इंडिया होगा फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया वहां इंपोर्ट रहेगा बट इंपोर्टेशन कमेंस होगा वहां पे कंटिन्यू एंड कंप्लीटेड वेन गुड्स बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड टैक्सीबल इवेंट रीच वेन वेन You file the bill of entry for home consumption, okay? And in simple word, even though यहाँ पे territorial water cross होगा, तो importation commence होगा। पर आपका taxable event, अने tax liability government को pay करने की तभी आएगी जब आप उसकी bill of entry file करोगे, and that bill of entry for home consumption, ठीक है? तो अब एक और difference में आपको बताना चाहूँगा, दो words आपके सामने आएगे, India और Indian customs water. इंडिया ये लेवी डिसाइड करने के लिए ना और इंडियन कस्टम्स वाटर ये ऑफिसर का स्कोप है ऑफिसर कहाँ तक अपनी पावर एग्जीक्यूट कर सकता है एजुडिकेट कर सकता है उसके लिए इंडियन कस्टम वाटर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक पावर दी गई है वहाँ तक ऑफिसर किसी भी शिप को पकड़ सकता है पीछे लग सकता है ओके यहाँ पे आ, स्मगलिंग चेक कर सकता है और जहाँ तक अगर कुछ वाटर इंडियन लैंड मास में आया तो वो केस में क्रीक टाइडल रिवर बे गल्फ ये भी इंडियन कस्टम वाटर माना जाएगा चलिए उसके बाद में नेक्स्ट ओके इवेंट क्या है कि गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड तो एक चीज आप बार बार ध्यान में रखो आप किसी भी मोड से लाओ सेक्शन ट्वेल्व ये कहाँ कहता है कि आप वेसल से लाओ व्हीकल से लाओ एयरक्राफ्ट से लाओ ये नहीं कहता है सेक्शन ट्वेल्व किसी भी मोड से लाओ ओके हम ड्यूटी लगाएंगे बस हमें दो तो कंडीशन होनी चाहिए गुड्स इंपोर्टेड और गुड्स एक्सपोर्टेड हाँ ये बात सही है कि सारे एक्सपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी नहीं लगी है कस्टम टेरीफ एक्ट में एक दो शेड्यूल नंबर टू बनाया गया है और सेकंड शेड्यूल में ऐसे अप्रोक्सिमेटली फिफ्टी गुड्स की लिस्ट दी है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है जहां गवर्नमेंट चाहती है कि वो गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट ना हो तो वहां उन्होंने कस्टम ड्यूटी लगा के रखी है ना अब देखो बेटा एक्सपोर्ट यानी क्या चलो सारे गुड्स पे नहीं लगती जैसे इंपोर्ट इंपोर्ट तो मिट्टी भी लाओगे तभी तो लगेगी ओके अनलेस इट इज़ एग्जाम और नील रेट लेकिन एक्सपोर्ट जितने भी गुड्स पे लगती है आएगी कब व्हाट इज़ द टैक्सेबल इवेंट तो टैक्सेबल इवेंट टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया आई रिपीट टैक्सेबल इवेंट टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अब यहाँ पे एक बात समझने लायक है और वो कौन सी समझने लायक है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट में ओके यहाँ प्रोसेस क्या होती है प्रोसेस एक्सपोर्ट के केस में ये होता है कि आ, पहले आप शिपिंग बिल फाइल करते हो होके शिपिंग बिल इज़ देन अप्लीकेशन अब ख्याल रहे वर्डिंग्स आपका कैच होना चाहिए शिपिंग बिल क्या होता है शिपिंग बिल एक एक्सपोर्टर का अप्लीकेशन होता है जो सेल्फ असमेंट डॉक्यूमेंट होता है इम्पोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री होती है और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल होता है तो ये शिपिंग बिल फाइल करेगा अपनी ड्यूटी असेस करेगा अपना कस्टम ड्यूटी पे करेगा लर्न करना पड़ेगा बेटा ये बहुत आगे काम आएगा ओके okay, आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते हो कि भाई ओके सर याद नहीं हुआ तो कैसे होगा नहीं ये आपको लर्न करना पड़ेगा तो आप आपको कस्टम ड्यूटी एडवांस में ही देनी पड़ती है इवन दो आपका एक्सपोर्ट तब बोला जाएगा जब टेरिटल वाटर क्रॉस होगा जब टेरिटल वाटर क्रॉस होगा तब एक्सपोर्ट बोला जाएगा लेकिन बेटा आपको ओके पैसा पहले ही दे देना पड़ता है गवर्नमेंट बड़ी चालाक है एक्सपोर्ट में कहती है कि तूने असेस कर लिया ना चल देते ओके क्योंकि जब तक तू पैसा नहीं देगा हम तुझे लोडिंग ऑर्डर नहीं देंगे जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ लोडिंग एंड एक्सपोर्टेशन शॉर्ट में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर

उसके बाद में ओके okay, शिप में कुछ ट्रबल ट्रबल हुआ और ट्रबल होने की वजह से शिप सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए वापस आया यानी कोई गुड्स इंडिया में क्लियर नहीं हुआ पहले एक्सपोर्ट हो गया कुछ प्रॉब्लम आया फिर वो ट्रबल शूटिंग के लिए बाद में इंजन में प्रॉब्लम आने के लिए वापस इंडिया में आया तो वहाँ गवर्नमेंट ने क्या बोला वहाँ गवर्नमेंट ने ये बोला सॉरी गवर्नमेंट नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वंस यू क्रॉसेज द टोटल वाटर तो आपका एक्सपोर्ट हो चुका अगर आपका एक्सपोर्ट हो चुका तो वो केस में आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा हाँ, आप वापस आ आ गए गए ट्रबल शूटिंग के लिए आ वो हमें नहीं पता पहला इवेंट कंप्लीट हो गया एक्सपोर्ट हो गया यू क्रॉसेज दैट्स ऑल राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड ड्रॉबैक की केस है ओके उनका ड्रॉबैक रिजेक्ट हो गया था अब आपका एक सवाल आ सकता है कि सर ये ड्रॉबैक होता क्या है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे ओके यहां पे आप फोकस करो एक्सपोर्ट का राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग लिमिटेड में, में शिप संक बिफोर क्रॉसिंग द शिपसंक वाटर अगर शिप संक हो गई बिफोर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर तो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ और हम एक्सपोर्ट ड्यूटी के एंगल से देखें ड्रॉबैक के एंगल से नहीं ड्रॉबैक रिफंड होता है हम एक्सपोर्ट ड्यूटी से एंगल से देखें तो जब एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं तो क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी डज नॉट अराइज ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू अगर हम बात करें यहां पे एक्सपोर्ट कब बोला जाएगा तो ये कोई भी केस हो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कब बोला जाएगा तो एक्सपोर्ट तभी बोला जाएगा वेन गुड्स क्रॉस इज द टेरिटोरियल वाटर ओके उसके पहले डूब गया तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी वापस मिल जाएगी अगर उसके बाद में डूब गया या कुछ हो गया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको नहीं मिलेगी चलिए तो ये कुछ डेफिनेशन हमने देखी अब एक कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं तो आपको आसानी हो जाएगी और वो कॉन्सेप्ट है वेअर हाउसिंग वो कॉन्सेप्ट है वेयर हाउसिंग इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं नो वेयर हाउसिंग एक ये फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है आपको और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है इंडिया में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बहुत सारे इम्पोर्टर यूज़ करते हैं ओके okay, मेरे भी क्लाइंट्स हैं कुछ जो यहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कंटिन्यूस पुणे में मुंबई में यहाँ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लेते हैं अब ये वेयरहाउसिंग फैसिलिटी क्या है सो so, दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि वेयर हाउसिंग जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी डेफर्ड कर दी है मतलब अगर आपको आप, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं पहला ऑप्शन ओके या आप जो है पेमेंट कर दो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन डायरेक्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर दो दैट्स ऑल अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू पे एंड यू वांट टू डिफर द ड्यूटी अनदर ऑप्शन इज वेर हाउसिंग यू कैन डिपॉजिट यूर गुड्स इन अ वेयर हाउस इन दैट केस यू हैव टू सबमिट अ बिल ऑफ एंट्री कॉल एज बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग अलॉन्ग विद द बॉन्ड बॉन्ड अमाउंट इक्वल्स टू थ्राइज द ड्यूटी This is just a bond and not the payment. Okay, you have to provide some security for the bond. This bill of entry also called you have to learn this word, okay. This term into bond bill of entry. Logic I have given why it is called as into bond bill of entry. Because at the time of filing this bill of entry, you are entering in bond, hence called as okay, into bond bill of entry. Another important point is here, okay. Uh sir, so if we uh, if we normally write <coughs> A bill of entry for warehousing instead of into bound bill of entry, then is it okay in exam? See, you can.

Uh, at the time of clearance from warehouse okay you again you have to do your self assessment uh, need to file another bill of entry and that bill of entry for home consumption from warehouse okay so you file karna put next question hai, what is the taxable event in case of warehousing in case of warehousing for imported goods taxable event is a date when you file एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजन फ्रॉम हाउस ओके वॉट इ रेट अपलिकेबल ऑन दट डेट एट दैट रेट यू हैव टू टू ड्यूटी है गवर्नमेंट तो यहाँ पे दो बिल ऑफ एंट्री होती है बाकी वेयर हाउसिंग प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे आप वेयर हाउस से ग्रेजुअली क्लियर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप भी क्लियर कर सकते हो ओके okay. ठीक है आप ग्रेजुअली क्लियर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप भी आप क्लियर कर सकते हो तो ये सारा कंप्लीट प्रोसीजर हमने वेयर हाउसिंग का देखा था उसके बाद में इंपोर्टर की डेफिनेशन एक्सपोर्टर की डेफिनेशन इंडियन कस्टम वाटर हमारा हो गया ड्यूटी डिपार्टमेंट वेयर हाउसिंग में हो जाता है तो चलिए ओके okay, ये ख्याल रखना ओके okay, इंपोर्टर मतलब कौन तो फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्टेशन टिल गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पन एनी ओनर बेनिफिशियल ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर उसे इम्पोर्टर बोला जाएगा तो चलिए आई होप आपको थोड़ा इजी लगा होगा रिवीजन से मुझे बताइए रिवीजन होने के बाद और इजी लग रहा है और बेटा आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा तो ही तो ही कस्टम पे ग्रीप आएगी कस्टम समझने में आसान है लेकिन ग्रीप आने के लिए आपको डेली बेसिस पे पढ़ना जरूरी है ठीक है चलो चैप्टर टू पे आ जाओ इम्पोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर ठीक है बेटा आज का ऐप ऐप में थोड़ी दिक्कत आ रही है स्पेशली हमारे स्ट्रीम की इसलिए क्लास ऐप में नहीं है यूट्यूब पे ही हमारा क्लास आज रहेगा और दूसरा मुझे ये बताओ कुछ क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ जैसे हमारे दो लेक्चर्स हो गए हैं और ये दो लेक्चर्स जो हमारे हुए हैं इसमें पहला क्वेश्चन और मुझे आप ये आंसर दीजिएगा क्या स्पीड ओके okay है क्योंकि हमें आ, देखो कुछ चीज़ें कैसी होती है कि फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को सारे स्टूडेंट्स को नहीं कुछ स्टूडेंट्स को स्पीड लगे लेकिन जब रिवीजन होता है केस स्टडी होती है क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं तो आ, वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं और उनको फिर ग्रेजुअली अपने साथ जो है ओके okay, जैसे क्योंकि मैं स्पीड क्यों मेंटेन कर रहा हूं कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन तो हम जब क्वेश्चनर देखेंगे तो उसमें भी रिवाइज हो जाएगा हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो भी रिवाइज हो जाएगा तो उसमें हमारा सब्सटेंशियल टाइम ओके मैनेज हो जाता है तो ये स्पीड से सारी चीजें मैनेज होने में हमें हेल्प होता है स्पीड इज ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन आप सभी से मेरा ये है कि स्पीड uh, के बारे में तो हमने बात कर ली कौन कौन स्टूडेंट्स है जो डेली पढ़ रहा है चैप्टर वन जो है ओके okay, ऑनेस्टली बताओ कि किसने जो है डेली मेरे साथ पढ़ रहा है यस yes, बोलो कौन कौन स्टूडेंट है जो डेली मेरे साथ पढ़ रहा है ओके okay, ये आप बताओ फटाफट वेरी गुड वेरी गुड और ये मैं आपको बोल देता हूँ आपके पढ़ने की स्टेप्स कैसी रहेगी मेरे साथ रेगुलर नोट्स खत्म करो क्लास के साथ ही जो ऐसा पढ़ेगा उसको आईडीटी में मैं कहता हूँ कि अब वो एटी ला के दूंगा हाँ ओके okay, जो जैसा मैं कहता हूं वैसा फॉलो करो मेरे साथ रेगुलर नोट्स खत्म करो जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद में चार्ट्स एंड क्वेश्चन बस क्वेश्चनर भी हमारा इनफ है तो चार्ट्स और क्वेश्चन है और थर्ड रिवीजन आपकी जो है सारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो क्वेश्चनर्स के हैं और वापस से एक चार्ट रिवीजन जैसा मैं कहूँगा ठीक है चलो तो आपको सेल्फ पढ़ना है मेरे साथ तो ही ये बहुत ओके okay, आपको हेल्पफुल रहेगा है। आते हैं चैप्टर टू पे importation एंड exportation procedure <laughs> बहुत सारे सेक्शंस देखने हैं बहुत सारे डेफिनेशंस देखनी हैं अब दोस्तों ये जो चैप्टर है अगर मैं एग्जाम के हिसाब से देखो तो ये चैप्टर आप जो मार्क्स एलोकेशन आपको दिए गए हैं ये चैप्टर आप प्रायोरिटी बी में रख सकते हो ओके okay, प्रायोरिटी बी में रख सकते हो नाउ ये चैप्टर पढ़ते वक्त आपका अप्रोच क्या होना चाहिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूं इसलिए आप केयरफुली सुनिएगा यह चैप्टर में आप सिर्फ प्रोसीजर को समझो हो सकता है वर्डिंग्स पे ग्रीप आने के लिए थोड़ा टाइम लगे लेकिन आप ओनली प्रोसीजर पे ध्यान दो कि प्रोसीजर क्या है फ्लो क्या है किस तरह से इम्पुट होता है क्या होता है उस पर ध्यान दो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि बहुत सारी बातें बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड हो गई पर ग्रिप नहीं आ रही है डोंट वरी फॉर दैट क्योंकि ये चैप्टर पे ओके okay, यहाँ पे ग्रीप तभी आती है जब आप पढ़ते हो लेकिन मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कह दूँ तो ये चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और जो एरिया में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओके okay, वो तो मैं आपसे लर्न करवा लूँगा डोंट वरी लेकिन ये चैप्टर में हम बहुत सारे सेक्शंस देखने वाले हैं ओके okay, बहुत सारे सेक्शंस देखने वाले हैं पहला सवाल आपका ये आ सकता है कि क्या हमें सेक्शन सारे लर्न करने पड़ेंगे क्या मैं आपको बता दूँ इनकम टैक्स और आई में एक डिफरेंस है इनकम टैक्स में क्या होता है कि आ, आप आप जब सेक्शन लर्न भी हो जाते हैं और सेक्शन आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है लेकिन आईडीटी में ओके okay, मैं आपको ये बदलूँ कि जहाँ मैं कहूँगा वहीं सेक्शन लर्न करना ओके वहीं सेक्शन लर्न करना आपको सीक्वेंस में सेक्शन लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इस चैप्टर में मैं जहां जा कहूंगा वो एरिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है बाकी कुछ स्टूडेंट्स को ये फीलिंग आ सकती है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होगी मुझे याद रहेगी या नहीं रहेगी डोंट वरी फॉर दैट ओके वो छोड़ दो हाँ इसके बाद का जो चैप्टर है वैल्यूएशन वहाँ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं वहाँ जो आपसे तो करवा के लूँगा क्योंकि आ, उसका फाइव टू सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है ठीक है पर चैप्टर मैं स्टार्ट में क्यों ले रहा हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट प्रोसीजर क्यों क्योंकि ये चैप्टर अगर आप समझोगे नहीं तो वैल्यूएशन समझना मुश्किल जाएगा ओके क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो वैल्यूएशन चैप्टर में यूज की गई है इसलिए वैल्यूएशन को अगर बहुत अच्छे से समझना है तो ये चैप्टर को समझना बड़ा आसान है सच में कहो क्या यह सारी तैयारी मैं एक चैप्टर के लिए कर रहा हूँ और वह है वैल्यूएशन ठीक है वैल्यूएशन जहां सारी चीजों का निचोड़ वहां उधर है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर टू जिसमें ओके पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमें डिस्कस करना है ठीक है सेक्शन लर्न करने की ज़रूरत नहीं हाँ ओके okay, इसमें से कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारा एक बार चैप्टर होने दो चैप्टर एंड में मैं इंडेक्स में भी बता दूंगा कि ये ये सेक्शन सेक्शन नंबर लर्न हो जाए तो अच्छी बात है जैसे एग्जांपल की तौर पे अभी एक सेक्शन तो अभी डाल दो सेक्शन 46 सिक्स okay, ओके ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन फोर्टी सिक्स ऑफ एंट्री ओके ऐसे कुछ और सेक्शन आपको बताओगा जो आपको लर्न हो जाए तो अच्छी बात है वैसे मेरा प्रेशर नहीं है आपके ऊपर चलो डन ना चैप्टर uh, वन में सेक्शन ट्वेल्व याद रखो जो चार्जिंग सेक्शन है डेफिनेशन से याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो अब आते हमारे डिस्कशन पे चलिए दोस्तों अब ये डायग्राम आपके सामने है प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के पहले ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है इसके बेस पर मैं कुछ आपका एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ओके okay, जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा आगे डिस्कशन के लिए क्या होता है जनरली सुनो जनरली जो कार्गोज होते हैं इम्पोर्ट किया जाता है जनरली तीन मोड से किया जाता है ओके okay, एक होता है आपका यहाँ पे वेसल दूसरा होता है बाय एयर और तीसरा होता है बाय लैंड रूट ठीक है अगर आप ड्रोन से इंपोर्ट करोगे एनिमल से इंपोर्ट करेंगे पूरे अगर इंडिया में हंड्रेड परसेंट अगर इंपोर्ट होता है तो उसमें से द, मुश्किल से एक परसेंट एनिमल ड्रोन या अदर मोड यूज़ किए जाते है वैसे ड्रोन तो अलाउड भी नहीं है ओके ड्रोन तो अलाउड भी नहीं है गवर्नमेंट ड्रोन बिल्कुल अलाउ नहीं करता है बॉर्डर पे कोई बॉम्ब लेके आ जाए तो किसको मालूम <laughs> तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक मेजर मोड ऑफ इम्पोर्टेशन इज़ वेसल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल अब बेटा अगर आप वेसल से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपका वेसल पोर्ट पे लैंड होता है ओके okay, जिसे कस्टम पोर्ट कहा जाता है ओके okay, जिसे कस्टम पोर्ट कहा जाता है एयरक्राफ्ट आएगा आपके एयरपोर्ट पे, जिसे कस्टम्स एयरपोर्ट कहा जाता है और व्हीकल जो आएगा आपके लैंड कस्टम स्टेशन पे अब देखो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो बच्चा बच्चा जान लेता है नहीं ना बेटा थोड़ा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करो मैंने जस्ट वर्ड पोर्ट नहीं कहा मैंने वर्ड कस्टम पोर्ट कहा कस्टम पोर्ट डे टू डे लाइफ में कहूँ तो इंटरनेशनल पोर्ट जनरली क्या होता है कि आपके जो पोर्ट होते हैं उसको सी बी आई सी सी बी आई सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स उनको अप्रूवल देता है एज अ कस्टम पोर्ट तो जो डोमेस्टिक पोर्ट होते हैं उनको अप्रूवल दिए जाते हैं कस्टम पोर्ट पे इसलिए जब भी बाहर का कोई गुड्स आएगा शिप आएगी तो वो कहीं पे भी नहीं रुक सकता ओके okay, जो अप्रूवड इंटरनेशनल पोर्ट है जिसे कस्टम्स की भाषा में कस्टम पोर्ट कहा जाता है शिप वहीं रुकेगी ओके okay, तो हम कस्टम पोर्ट का डेफिनेशन देखेंगे कस्टम्स एयरपोर्ट का डेफिनेशन देखेंगे ओके और लैंड कस्टम स्टेशन ओके ख्याल रहे जैसे कस्टम्स एयरपोर्ट मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओके ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले पुणे पुणे ओके okay, बहुत साल डोमेस्टिक एयरपोर्ट चला फिर सीबीआईसी ने पुणे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया ये दर्जा देना पड़ता है ओके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट इस साल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दर्जे में आए जब तक आपका पोर्ट या एयरपोर्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कस्टम एयरपोर्ट अप्रूव नहीं होता है तब तक वहाँ पर कोई भी पैसेंजर या गुड्स बाहर से इंडिया में आ नहीं सकता या इंडिया से बाहर नहीं जा सकता ओके okay. और लैंड कस्टम स्टेशन यानी हम जैसे बस स्टेशन यूज़ करते हैं रेलवे स्टेशन यूज़ कर सकते हैं तो वो डे टू डे की भाषा होगी बस स्टेशन रेलवे स्टेशन ट्रक स्टेशन वगैरह लेकिन अगर उसको वो स्टेशन को कस्टम्स का अप्रूवल मिल जाए तो उसको ओके यहाँ पे लैंड कस्टम स्टेशन कहा जाता है जहाँ पे ट्रेन आती है रुकती है या व्हीकल आता है रुकता है ओके ये लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं तो ये कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट और लैंड कस्टम होता है अब मैं दोस्तों यहाँ पे जो है पूरा कस्टम्स का इंफ्रा आपको एक्सप्लेन करके दूंगा यानी को समझने में आसानी होगी और मैं आपको कह दू यह सारा पिक्चरल प्रेजेंटेशन जो मैं आपको यहां दे रहा हूं और फर्स्ट टाइम जहाँ तक मेरा नॉलेज है इतना पिक्टोरल प्रेजेंटेशन फर्स्ट टाइम ओके सी ए फिल्म में 2014 में मैंने स्टार्ट किया सो so दैट आपको इजी जाए और इसका एक एक कैरेक्टर हमने बनाया हुआ है हाँ आज आप कलर नोट्स देखते हो वो यूज़ टू हो गया आज आप ये देखते हो कि पिक्टोरल प्रेजेंटेशन वो यूज टू हो गया पर मेरे पास आज भी प्रूफ है और आज भी मेरे पास वीडियोज़ है टू में फर्स्ट टाइम ये पूरा कलर नोट्स और पिक्टरल प्रेजेंटेशन आईडीटी में ओके okay, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ पर जो किया है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ओके okay, इसलिए आज जो है आप नाम सुनते हो सीनियर से वगैरह ओके okay, ये मेहनत जो है वैसे तो मैं 2004 से कर रहा हूँ लेकिन यस ये चार्ट्स हो गए पिक्टल प्रेजेंटेशन हो गए ओके okay, ये जो है आज आप देख रहे हो जिससे कॉन्सेप्ट हमें समझना इजी जाता है ये सारी चीज़ें आज कॉपी हो गई होगी और कॉपी करना आज कौन सी बड़ी बात है ओके okay, इजीली हो जाता है पर ये एक कैरेक्टर पर हमने मेहनत की है चलो ओके okay, हाँ सो so, ओके okay, सारे पोर्ट्स अप्रूव नहीं है बहुत से डोमेस्टिक पोर्ट होते हैं ओके okay, दो टाइप के पोर्ट होते हैं एयरपोर्ट होते हैं डोमेस्टिक डोमेस्टिक पोर्ट और इंटरनेशनल पोर्ट uh, जब कोई पोर्ट एयरपोर्ट इंटरनेशनल होता है इंटरनेशनल मतलब ही कस्टम्स का अप्रूवल आ गया इंटरनेशनल मतलब ही कस्टम्स का अप्रूवल आ गया ओके okay, तब तक वो डोमेस्टिक होता है ठीक है तो सारे पोर्ट कस्टम्स नहीं होते जहाँ सी ने अप्रूव कर दिया उसी पोर्ट को कस्टम कहा जाता है और कस्टम्स का अप्रोल आ गया मतलब इंटरनेशनल हो गया ठीक है सो नाउ चलिए अब आते बेटा यहां पर एक और कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट है okay. आईसीडी ओके यहां प्रिंट नहीं हुआ होगा तो आप लिख देना आईसीडी आईसीडी इनलैंड कंटेनर डेपो अगर आईसीडी का मतलब लिखना है इनलैंड कंटेनर डेपो इनलैंड कंटेनर डेपो अब ये इनलाइन कंटेनर डेपो क्या होता है टी -E अभी इनलाइन कंटेनर डेपो क्या होता है आपको बता दू आईसीडी इनलाइन कंटेनर डेपो जहां पोर्ट का स्पेशली पोर्ट का एक्सटेंशन होता है एयरपोर्ट का नहीं मैंने क्या कहा पोर्ट का एक्सटेंशन होता है एक बार बोले एक बार फिर से पोर्ट का एक्सटेंशन होता है सर ये पोर्ट का एक्सटेंशन मतलब क्या अब जहाँ सी शोर अवेलेबल नहीं जैसे मुंब़ी। मुंब़ी है जैसे मुंबई मुंबई में सी शोर अवेलेबल है चेन्नई में है ओके जहाँ पे भी ओके विशाखापट्टनम में है तो जहाँ सी शोर अवेलेबल है वहाँ तो पोर्ट आ, 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 यहाँ अपॉइंट कर दिया जाता है लेकिन जहाँ सी शोर नहीं है तो वहाँ पोर्ट की एक्सटेंडेड ब्रांच होती है जैसे पुणे ले लो पुणे में आई है नासिक में है आप सूरत में होगे, अहमदाबाद में होगे, राजस्थान में होगे, गए जयपुर में होगे, तो इन शॉर्ट अब मैं सबका नाम नहीं ले सकता उन्हें तुम कहोगे सर हमारे स्टेट का भी नाम ले लो सो so, दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे <coughs> सी नहीं है लेकिन कस्टम्स क्लियरेंस की फैसिलिटी देना है जैसे क्योंकि एग्जाम्पल लो कोई बंदा नागपुर का है अब नागपुर का बंदा अगर इम्पोर्ट करेगा मुंबई पोर्ट पे तो उसको नागपुर से फॉर्मेलिटी करना मुश्किल जाता है तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटी देती है मैं फैसिलिटी मतलब भी समझ जाना कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ा रही है गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं आप पुणे से यहाँ पर मत आओ हम पुणे में एक डेपो बना लेंगे जिसको कहेंगे आई सी डी इनलैंड कंटेनर डेपो ओके डेपो बना लेंगे और आप अपनी क्लियरेंस फॉर्मेलिटी फ़ायदा क्या है आईसीडी का आईसीडी का फायदा है कि लेट्स एक एग्जांपल मैं नागपुर में हूँ ओके okay, और, और यहाँ आईसीडी बन गई तो आईसीडी का फायदा ये होता है कि जो भी पोर्ट पे आपका गुड्स लैंड हुआ वो बाय ट्रेन बाय ट्रेन या बाय ट्रक वो आईसीडी में शिफ्ट कर दिया जाता है और आपको सारी क्लियरेंस फॉर्मेलिटी आईसीडी से अलाउ हो जाती है मतलब आपको बार बार मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है आईसीडी से आपकी क्लियरेंस फॉर्मेलिटी हो जाती है और यहाँ पे आप अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो यहाँ कस्टम ऑफिसर वगैरह सब होते हैं ओके उनके ऑफिसस होते हैं आप अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दो इन टू बॉन्ड एक्स बॉन्ड जो भी है यानी जो फॉर्मेलिटी आप यहाँ करने वाले थे पोर्ट एरिया में ओके okay, वहां पोर्ट तक जाने की जरूरत है नहीं ओके okay, आप अपने ही एरिया में सारी फॉर्मेलिटी कर दो दैट्स दैट्स इनफ इनफ ओके तो ये एक्सटेंडेड ब्रांच होती है पोर्ट की जिसको हम कहते हैं आईसीडी समझा होगा तो यहां पे आईसीडी टाइप करो ओके okay, समझा होगा तो आईसीडी टाइप करो इनलैंड कंटेनर डिपो इज एन एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ पोर्ट ओके फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर क्लीयरेंस फॉर्मेलिटीज ओके यहाँ पे ना uh, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सी एफ एस सी एफ एस मतलब अगर आपको लिखना होगा तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन कंटेनर फ्रेट स्टेशन कंटेनर फ्रेट स्टेशन ओके ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या हो जाता है ओके okay, जैसे ये सेपरेट नहीं होता है ये पोर्ट से कनेक्टेड होता है सबसे पहले तो आपको आगे बढ़ने के पहले डिफरेंस बता देता हूं आईसीडी <coughs> ये सेपरेट एरिया होता है जो आपको दिया जाता है स्पेशली वो आईसीडी इन कंटेनर डेपो ओके ये वहां पे होता है जहां सी शोर नहीं है ओके okay, ये सेपरेट एरिया होता है कंटेनर फ्रेड स्टेशन ये सेपरेट नहीं होता है ये पोर्ट से कनेक्टेड होता है अब ये कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है कि समझ लो बहुत सारे पोर्ट पे इतना लैंडिंग है कंटेनर का इतनी अनलोडिंग है जैसे सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट ले ले तो मुंबई मुंबई ये जो पनवेल है ओके मुंबई पनवेल पोर्ट इतने ज़्यादा अनलोडिंग्स होते हैं वहाँ पे कि जगह नहीं मिलती वहाँ रखने के लिए दूसरा चेन्नई जगह नहीं मिलती वहाँ रखने के लिए सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट होते हैं तो ये जो सबसे ज़्यादा बिजी पोर्ट है बेटा यहाँ पर जगह नहीं मिल रही है तो ये टेम्प्ररी आपका कंटेनर शिप कर दिया जाता है जो यहाँ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पोर्ट मतलब क्या यहाँ जगह ना होने की वजह से आपके कंटेनर उठाए जाते हैं और जैसे पनवेल में कं पनवेल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन है तो वहाँ पे थोड़ा दो तीन किलोमीटर जो पोर्ट से कनेक्टेड है वहाँ पे आपका कंटेनर रख दिया जाता है इन शॉर्ट यहाँ जगह नहीं है उठा के कंटेनर फ्रेट स्टेशन में रख दिया अब कंटेनर फ्रेड स्टेशन में आपका अगर कंटेनर आ गया तो आपको सारा अब यहां से करना पड़ेगा ओके okay, तो यहां सिंपल वर्ड में ये सारे पोर्ट के ही ब्रांचेस है पर कंटेनर फ्रेड स्टेशन और आईसीडी में क्या डिफरेंस है कंटेनर फ्रेड स्टेशन वो पोर्ट से कनेक्टेड होता है इज इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पोर्ट और ये जो है ईसीडी ये डेपो होता है जो सेपरेट आपके एरिया में होता है अगर सी समझ में आ गया होगा तो यहां पे प्लीज सी एफ एस टाइप करें ठीक तो okay, है तो आईसीडी एक सेपरेट ब्रांच होती है ओके okay, जहां पे गुड शिप कर दिया जाता है और आप वहां से क्लियर कर सकते हो तो ये था जहां तक देखा जाए आईसीडी और सी एफ एस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पोर्ट अब जैसे मैंने आपको कहा वेयर हाउसेस वहां पे भी आप गुड्स रख सकते हो विदाउट ड्यूटी क्योंकि ये सारे गुड्स ड्यूटी पे करने के पहले आपके सी एफ एस में होते हैं या आपके आई सी डी में होते हैं ओके यहाँ ड्यूटी देने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको सारी फॉर्मेलिटीज़ जो करनी पड़ती है ओके आई सी डी पे करनी पड़ती है या सी एफ एफ पे करनी पड़ती है ये आपके फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी दी है वेयर हाउस वेयर हाउसिंग क्या होता है हाँ लेकिन ख्याल रहे अगर आपको वेयरहाउस में शिफ्ट है मे बी पब्लिक हो या प्राइवेट हो वेयरहाउस में अगर शिफ्ट करना है तो फिर आपको दो बिल ऑफ एंट्री देनी पड़ती है एक होती है इंटू बॉन्ड और एक होती है एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ओके okay, तो इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देने के बाद और बॉन्ड की अमाउंट थ्राइज द ड्यूटी होने के बाद ही आप गुड्स वेयरहाउस में रख सकते हो तो ओके okay, सर डिफरेंस क्या आईसीडी और वेयरहाउस आई सी इज़ द कस्टम्स एरिया मतलब जहां तक देखा जाए वो कस्टम्स की ब्रांच है अगर आपको ओके मुंबई पोर्ट से नागपुर आईसीडी में शिफ्ट करना है आपको कोई बिल ऑफ एंट्री की देने की जरूरत नहीं है आप एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे दो कि आई वांट टू क्लियर फ्रॉम नागपुर आईसीडी ओके वो बिल ऑफ एंट्री देने की जरूरत नहीं है आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे दिया कि आप आईसीडी से क्लियर करोगे और कि यहाँ से गुड्स वहाँ शिफ्ट हो जाता है या सीएफएस में शिफ्ट होता है वहाँ कोई बिल ऑफ एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है हाँ जैसे ही आईसीडी में आ गया फिर आप आप अपनी फॉर्मेलिटी चालू करो आप अपनी फिर यहाँ सारी फॉर्मेलिटी चालू होगी यहाँ बिल ऑफ़ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग जो भी आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना है वो यहाँ होगी यानी इन सिंपल वर्ड जो फॉर्मेलिटी आप यहाँ करने वाले थे वो यहाँ होगी या सी में होगी लेकिन वेयर हाउस में अगर शिफ्ट करना है तो फिर आपको इनटू बॉन्ड या एक्स बॉन्ड ये दोनों ओके इनटू बॉन्ड या एक्स बॉन्ड ओके ये दोनों आपको फाइल करना पड़ेगा तो ये था डिस्कशन ऑन ओके यहाँ पे हमने स्पेशली देखा आईसीडी इनलाइन कंटेनर डेपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन नाउ कस्टम्स एयरपोर्ट कस्टम्स एयरपोर्ट ये हमने यहाँ पे देखा नेक्स्ट ओके एएफएस एयर फ्रेट स्टेशन एएफएस मतलब लिख दो यहां पे एयर एयर ठीक है? तो ये भी लाइक सी एफ एस होता है मतलब कंटेनर फ्रेड स्टेशन कंटेनर फ्रेड स्टेशन पोर्ट के लिए यूज किया जाता है और एयर फ्रेट स्टेशन एयरपोर्ट के लिए ये ओके, ये भी जब जगह नहीं होती है सुनो जब जगह नहीं होती है यहाँ पे एयरपोर्ट पे तो आपका गुड्स एयरफ्रेट स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है ओके okay, वो भी कनेक्टेड होता है एयरपोर्ट से कनेक्टेड होगा आप दिल्ली में देखोगे कभी आपने बाय फ्लाइट ट्रैवल किया होगा और आपका एयरटॉप बहुत दूर खड़ा होगा तो आप जो है बस से जाते हो और बस में आपको ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउस जैसे दिखते हैं अगर आपने बड़े बड़े एयरपोर्ट देखे होंगे तो कुछ एक दो किलोमीटर जाने के बाद ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं वो होते हैं एयरफेड स्टेशन जो पोर्ट से ही कनेक्टेड होता है जो यहाँ पे पोर्ट से ही कनेक्टेड होते हैं तो जब यहाँ ट्राफिक कंजंक्शन हो जाता है कंटेनर का तो कंटेनर की ट्राफिक जब बढ़ जाती है तो आपका गुड्स एयर स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है ठीक है और फिर यहाँ पे आप सारी फॉर्मेलिटी यहाँ पे कैरी करते हो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग जो भी होगा वो सारी फॉर्मेलिटी आपकी एयरफ्रेड स्टेशन पर होती है ठीक है चलिए और ये तो था यहाँ पे एयर स्टेशन और तीसरा लैंड कस्टम स्टेशन इसके एक्सटेंशन पार्ट नहीं होते हैं तो मैं अगर कंक्लूड करूँ तो पोर्ट के दो एक्सटेंशन पार्ट होते हैं कौन से होते हैं पोर्ट के दो एक्सटेंशन पार्ट बताइए कौन से दो होते हैं एक होता है आईसीडी और दूसरा होता है कंटेनर फेड स्टेशन ओके नाउ एयरपोर्ट का एक ही एक्सटेंशन पार्ट होता है वो होता है एएफएस और लैंड कस्टम स्टेशन का कोई एक्सटेंशन पार्ट नहीं होता है लेकिन ख्याल रहे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी तो ये तो कोई कोई भी मोड से लाओ उसिंग के लिए तो आपको कोई भी मोड से लौटे फैसिलिटी मिलती है जिस आपको एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है और वो है ओके आ, इन इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ठीक है चलिए ये तो था रिगार्डिंग टू कि पूरा कस्टम्स एरिया क्या होता है ठीक है कस्टम्स एरिया क्या होता है यहां पे और सारे वर्डिंग्स हमने देखे अब एक सवाल इसमें आ सकता है कि हमें याद रहेगा क्या भाई मैंने कॉन्सेप्चुअली बता दिया पिक्ट्रल प्रेजेंटेशन में बता दिया डांस करके बता दिया लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको या रिवाइज करके याद करते हो लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है चलिए आते हैं आगे के डिस्कशन पे चलो बेटा <coughs> ये डेफिनेशन दिया है एक्ट में मैं ले रहा हूं यहाँ पे डेफिनेशन में जहां तक देखा जाए कस्टम्स एरिया क्या कहता है कस्टम्स एरिया मींस एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन इसको हाईलाइट करना एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है नहीं पूछेगे मेरे हिसाब से पर ठीक है ओके okay, यहाँ <coughs> पढ़ ले तो अच्छी बात है कस्टम्स एरिया मीन्स एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन एंड एरिया इन विच इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स आर ऑर्डिनरली केप बिफोर क्लियर बाय कस्टम्स ऑथोरिटी यहां लिख दो एग्जाम्पल वेयर हाउसेस एग्जाम्पल कस्टम्स वेयर हाउसेस लिख दो वेयर हाउसेस अप्रूव और लाइसेंस बाय कस्टम्स अप्रूव और लाइसेंस बाय कस्टम्स बाय कस्टम चलो अब ये एक्ट पढ़ते पढ़ते कहीं पे वर्ड आ जाए कस्टम स्टेशन कस्टम्स स्टेशन आने क्या आने वाले ये वर्ड्स आने वाले हैं कस्टम स्टेशन वर्ड आ जाए तो कस्टम स्टेशन मतलब आपको तीनों भी लेना है कस्टम पोर्ट कस्टम्स एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन आपको तीनों भी लेना है ओके okay, यानी जब भी मैं कहूँ कि ये सेक्शन सारे कस्टम स्टेशन को अप्लाई होगा मतलब किसको अप्लाई होगा पोर्ट को भी एयरपोर्ट को भी और लैंड कस्टम स्टेशन को भी अप्लाई होगा अब आते हैं यानी देखो कैसा फ्लो है कस्टम्स एरिया मतलब सारा कस्टम स्टेशन कस्टम स्टेशन यानी क्या तो कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट लैंड कस्टम स्टेशन कस्टम पोर्ट यानी क्या तो ये डेफिनेशन कस्टम्स एयरपोर्ट यानी क्या तो ये डेफिनेशन लैंड कस्टम स्टेशन यानी क्या तो ये डेफिनेशन हो गई ओके okay, तो यहां पे अब देखो कस्टम पोर्ट मीन्स एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन सेवन मतलब सी बी आई सी टू बी ए कस्टम पोर्ट कोई भी डोमेस्टिक पोर्ट जो चला है उस डोमेस्टिक पोर्ट को सीबीआईसी ने अपॉइंट किया है ओके एज अ कस्टम पोर्ट तो सी बी आई सी अपॉइंट करता है कि ये भाई कस्टम पोर्ट रहेगा एंड ऑल्सो इंक्लूड्स आई सी डी इन लैंड कंटेनर डेपो ख्याल रहे ICD ये पोर्ट का एक्सटेंशन होता है एयरपोर्ट का नहीं इसलिए वो कस्टम पोर्ट में डिफाइंड है ICD ये पोर्ट का एक्सटेंशन होता है उसके बाद में कस्टम्स एयरपोर्ट इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स एंड फॉरेन पोस्ट ऑफिस ओके एयरपोर्ट अपॉइंटेड टू बी अ कस्टम्स एयरपोर्ट बाय सी बी अपॉइंट करेगा और उसकी ब्रांच एयरफेट स्टेशन हाँ एयरपोर्ट की ब्रांच एयरफेट स्टेशन पोर्ट की ब्रांच आई होती है ओके okay, पोर्ट की ब्रांच आई होती है लैंड कस्टम स्टेशन वो भी अपॉइंटेड बाय सीबीआईसी बी आई सी होता है okay, यानी कोई लोकल स्टेशन जिसको आप इंटरनेशनल का दर्जा देना है तो सीबीआईसी देता है फॉरेन पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस अपॉइंटेड टू बी फॉरेन पोस्ट ऑफिस सर ये फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या होता है जब आपका कोई गुड्स पोस्ट ऑफिस से आता है जैसे इंडियन पोस्ट इंडियन मुंबई इंडियन पोस्ट की दो ब्रांचेस फॉरेन पोस्ट ऑफिस अपॉइंट कर दी है मतलब क्या कि अगर कोई भी फॉरेन पोस्ट कुरियर आते हैं तो वो उसी दो ऑफिस में आएंगे क्योंकि वही दो ऑफिस फॉरेन पोस्ट ऑफिस अपॉइंट किए गए हैं और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल ये जो प्राइवेट कुरियर आते हैं तो वो प्राइवेट कुरियर के लिए वो ऐसे कोई भी पार्सल कहीं नहीं जा सकते वो सब पार्सल्स आएंगे इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल पे आएंगे ओके यहाँ पे तो यहाँ वो भी बाय कस्टम्स अपॉइंट किया जाता है तो इन सिंपल वर्ड ओके अब अगर आप देखोगे और चार्ट आप बनाओगे आपके लिए होमवर्क ये वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर बनाओगे तो अच्छी बात है ओके ब्रॉड सेंस में वर्ड आता है कस्टम्स एरिया ब्रॉड सेंस में वर्ड आता है कस्टम्स एरिया कस्टम्स एरिया में क्या इंक्लूड होता है कस्टम स्टेशन कस् सारे कस्टम स्टेशन आप रफ में मेरे साथ अगर बनाओगे तो आपको हेल्प होगी कस्टम्स फास्ट में फास्ट में कस्टम्स एरिया उसमें क्या आता है कस्टम स्टेशन और कोई भी ऐसा एरिया जहाँ आप गुड्स रख सकते हो विदाउट ड्यूटी ओके कोई भी ऐसा एरिया जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स आप रख सकते हो विदाउट ड्यूटी यानी वेयर हाउसेस ओके okay. वेयर हाउसेस वो भी कस्टम्स एरिया का पार्ट माना जाता है कस्टम स्टेशन में क्या आता है तो तीन आते हैं ओके okay. क्या आता है कस्टम्स पोर्ट कस्टम पोर्ट कस्टम्स एयरपोर्ट ओके एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन ये तीन आते हैं मतलब अगर आप डेफिनेशन को ऐसा अरेंज कर लोगे तो आसान हो जाएगा आपको लर्न करना ओके okay, तो यह कस्टम पोर्ट की डेफिनेशन एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन और ये तीनों भी सी बी अपॉइंट करता है ये तीनों भी सी बी अपॉइंट करता है लेकिन कस्टम पोर्ट का पार्ट होता है आई सी डी कस्टम्स एयरपोर्ट का पार्ट होता है एयरफेड स्टेशन ओके और लैंड कस्टम स्टेशन का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है ओके okay, तो ये हमने देखा और प्लस इसमें क्या ऐड होते हैं तो इंटर ओके okay, आपके फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो स्पेशली पोस्ट ऑफिस के कुरियर को हैंडल करने के लिए होता है और इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनस वो भी हैंडल किए जाते हैं ओके ये भी अपॉइंट किए जाते हैं तो ये ये सारे चीज़ों को बोला जाता है कस्टम्स एरिया ये सारे चीज़ों को बोला जाता है कस्टम्स एरिया ऐसा फ़्लो बनाओ मज़ा आएगा कभी कभी कुछ चीज़ें ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने के लिए करो एग्ज़ाम में नहीं भी पूछा जाए पर इतना ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच मत लो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मैं करूँगा ओके मानता हूँ कि अभी के तुम्हारे अप्रोच ज़्यादा एग्जाम औरिएंटेड हुए हैं पर चलो ठीक है कभी कभी तो खुद तो कुछ फ्लो कुछ रिसर्च कुछ यहाँ पे आ, न, 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 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने के लिए करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका तो चलिए दोस्तों ये था रिगार्डिंग टू कस्टम्स एरिया कस्टम स्टेशन कस्टम पोर्ट ये सारी डेफिनेशन एग्जाम में कोई डेफिनेशन पूछा जाएगा तो मुझे लगता है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये डेफिनेशन पूछा जाएगा वॉट डू यू मीन बाय कस्टम्स एरिया अगर एग्जाम के हिसाब से देखना है तो कस्टम्स एरिया की डेफिनेशन लर्न करके जाना है आपको डन चलिए ओके उसके बाद में हमने यहाँ पे इनलैंड कंटेनर डिपो मीनिंग देख लिया है सी एफ एस और एयरफे स्टेशन तो यहां तक तो है ये भी प्रायोरिटी बी में रखना ओके okay, जस्ट पढ़ के जाना कि ये होता क्या है डन चलो जस्ट अ मिनट बेटा जस्ट अ मिनट एक फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूं स्प्लिट फाइल होगी मेरे पास हम्म mm -hmm. चलो कोई बात नहीं बात नहीं इंपोर्ट कर लेता हां अब आ जाओ आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और वो है सेक्शन एट अगर आपको याद होगा तो चैप्टर टू जब हमने स्टार्ट किया था तो चैप्टर सॉरी चैप्टर वन जब स्टार्ट किया था तो डायरेक्ट सेक्शन से स्टार्ट किया था ठीक है तो उसके पहले के कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस को अप्लीकेबल है जैसे सेक्शन थ्री फोर फाइव आपको नहीं है वो ऑफिसर की पावर है सेक्शन एलेवन नहीं है पर जो जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम सेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है सेक्शन एट क्या कहता है सेक्शन एट कहता है ध्यान से देखिएगा यहां पे सेक्शन एट क्या कहता है ये कहता है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में अप्रूव द प्रॉपर प्लेसेस अंडरलाइन प्रॉपर प्लेसेस ओके इन एनी कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट या कोस्टल पोर्ट अब एक नया वर्ड आ गया कोस्टल पोर्ट कोस्टल पोर्ट जो होते हैं ओके okay, ये डोमेस्टिक पोर्ट होते हैं जिसका कंट्रोल कस्टम्स के पास दिया होता है अब सर डोमेस्टिक पोर्ट जो होते हैं कोस्टल पोर्ट कस्टम कंट्रोल क्यों दिया गया है ओके okay, इसके रीजंस हम आगे पढ़ेंगे अभी बस इतना समझ लो कि कोस्टल पोर्ट भी होगा तो उसका कंट्रोल इवन दो वो कस्टम्स पोर्ट नहीं है इवन दो वो डोमेस्टिक है लिखना है तो लिख दो कोस्टल पोर्ट मतलब डोमेस्टिक लेकिन उसकी पावर कंट्रोल करने की पावर कस्टम्स

क्या होता है कि जब आपका शिप जो है गुड्स लेके आता है तो जैसे मुंबई पोर्ट लेते हैं पनवेल में जो दिया है मुंबई पोर्ट जो है इतना बड़ा है लगभग सात आठ किलोमीटर का पोर्ट है तो आपकी शिप जब कंटेनर लेके आएगी तो कहीं पे भी नहीं रुक सकती ओके okay, कहीं पे भी गुड्स की अनलोडिंग नहीं कर सकती नहीं तो अगर इतने बड़े एरिया में कहीं पे भी अनलोडिंग अलाउ कर दिया जाए तो स्मगलिंग ईजी हो जाता है क्योंकि पोर्ट पर बहुत सारे लोग काम करते बहुत सारी एजेंसीज काम करते रहती है अगर आप कहीं पर भी रुकने का और अनलोड करने की यहाँ पर अथॉरिटी दे दी जाए तो वो तो क्या हो जाएगा कंटेनर अनलोड कुछ गुड्स गायब हो जाएंगे स्मगलिंग भी हो सकता है इसलिए बेटा यहाँ पे ओके okay, कस्टम्स में ये जो हम पूरी प्रोसीजर देख रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर इसमें बहुत ध्यान रखा गया है क्योंकि स्मगलिंग नहीं होना चाहिए कहीं लीकेज नहीं हो जाना चाहिए इसलिए ओके यहां पे बाय एक्ट इन्होंने पूरी प्रोसीजर कवर की है बाय एक्ट इन्होंने पूरी प्रोसीजर कंप्लीट की है ओके यहां जहां तक देखा जाए तो कस्टम पोर्ट और कस्टम्स एयरपोर्ट ओके कस्टम पोर्ट और कस्टम्स एयरपोर्ट तो यहां ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे गुड्स कहाँ अनलोड होगा यहाँ पे गुड्स कहाँ अनलोड होगा और आ, कैसे अनलोड होगा कौन से प्लेस पे अनलोड होगा ओके ये अप्रूव करता है प्रिंसिपल कमिश्नर ओके और कमिश्नर ये अप्रूव करता है प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर यहाँ पे एंड की जगह प्रॉपर वर्ड और आना चाहिए पर एक्ट में एंड है इट्स ओके okay, पर ये तो यहाँ पे अनलोडिंग की प्लेस जिसे हम लैंडिंग सॉरी Uh, जिसे हम दो वर्ड यूज़ करते हैं बर्थिंग प्लेस एंड लैंडिंग स्पेस नए वर्ड आ गए चलो बर्थिंग प्लेस ध्यान दो ओके अभी आप सारे चीज़ें भूल जाओ यार ओके सारे क्वेश्चन भूल जाओ सर ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो आखिरी में हम देखेंगे जो भी आपके डाउट्स है डोंट स्टक विथ एनी डाउट और ये साइकोलॉजी छोड़ो यार ओके कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो ओके क्यों क्योंकि जितना आप ओपन रहोगे आप जितना पीछे की चीजों को छोटी छोटी चीजों को छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे उतनी आपकी ग्रोथ होगी इसलिए मैं सब आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व कर दूंगा पहले या इधर आओ इधर ध्यान दो नहीं तो डोंट स्ट्रक विथ एनी डाउट जो विच इज कंप्लीटली अननेसेसरी ठीक है यहां पे आ जाओ तो अब देखिए बेटा दो यहां पे स्पेस होती है एक बर्थिंग प्लेस होती है और एक लैंडिंग स्पेस होती है बर्थिंग प्लेस क्या होती है सर वर्ड लर्न करना पड़ेगा नहीं जस्ट फॉर योर नॉलेज लेकिन याद रह जाए तो अच्छी बात है क्योंकि आगे बहुत सी बार मैं वर्ड यूज करूंगा कि बर्थिंग प्लेस मिल गई फिर गुड्स लैंड हुआ अब जब मैं ये वर्ड यूज करूँगा बर्थिंग प्लेस मिल गई और लैंड हुआ तो आपको क्लिक होना चाहिए बर्थिंग प्लेस क्या होती है बर्थिंग मतलब कि शिप आके कहा रुकेगा फॉर अनलोडिंग हाँ शिप कहाँ रुकेगा वो प्लेस को बर्थिंग प्लेस कहा जाता है जिसे हम डे टू डे लैंग्वेज में डॉक कहते हैं डॉक ओके शिप डॉक पे आ गई ओके okay, तो आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो अगर आपको याद करने के लिए तो डॉक ठीक है तो बर्थिंग प्लेस यानी वो प्लेस जहाँ पे गुड्स जो यहाँ पे अनलोडिंग के लिए रेडी हो गई और फिर लैंडिंग स्पेस मतलब जहाँ गुड्स अनलोड होगा जैसे क्रेन्स लगी होती है और ये क्रेन पे से गुड्स अनलोड किया जाता है तो ये हुई लैंडिंग स्पेस और ये हुई बर्थिंग प्लेस ओके यहाँ पे तो कमिश्नर ये जो प्रॉपर प्लेसेस है बर्थिंग एज वेल एज लैंडिंग ये कौन अप्रूव करेगा कमिश्नर अप्रूव करेगा लिमिट ऑफ कस्टम्स एरिया मतलब ये अगर स्टेशन होगा तो ये स्टेशन कितने किलोमीटर का होगा कहाँ फेंसिंग होगा कितनी लिमिट होगी ये सब कमिश्नर डिसाइड करता है ओके okay. तो एक क्वेश्चन जो पुराना पूछा गया जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि आपका अवेयरनेस तो होना चाहिए एमसी की क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु हैव अ पावर टू अपॉइंट कस्टम पोर्ट बताओ हु हैव अ पावर टू अपॉइंट कस्टम पोर्ट या एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन फटाफट बताओ कौन है हु हैव अ पावर टू अपॉइंट कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट नहीं यहीं तो गड़बड़ कर दी है कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट अगर आपको याद होगा कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट ओके ये सीबीआईसी डिसाइड करता है यहीं तो आपके एमसी की मिस्टेक हो जाएगी हाँ ये सी बी आई सी डिसाइड करता है और उस पोर्ट पे उस पोर्ट पे बर्थिंग प्लेस लैंडिंग स्पेस यानी कहाँ गुड्स अनलोड होगा कहाँ लोड होगा ओके ये डिसाइड करता है कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर या लिमिट ऑफ कस्टम्स एरिया ये डिफाइन ये डिफाइन करता है कमिश्नर तो ये ध्यान रखना ओके एम सी क्यू क्वेश्चन ऐसा आ की की गया ऐसे डाल देंगे क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे ये एरिया में तो ऐसे एम सी क्यू क्वेश्चन वो डाल सकते हैं ओके तो आपका ध्यान होना जरूरी है ये सेक्शन एट में पावर दिया गया है सेक्शन ओके यहाँ पे टेन नाइन ओमिटेड नाइन नहीं है अब देखते हैं सेक्शन टेन अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्डिंग स्टेशन ओके बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है पहले मैं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन फिर हम आते हैं okay, ओके हमारे डिस्कशन पे बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है जनरली यहाँ पे ओके okay, आपका गुड्स में जब कोई शिप इंडिया के बाहर जा रही है कंटेनर लेके तो आपके लैंडिंग स्पेस से बर्थिंग प्लेस से गुड्स लोड हो जाता है ध्यान सुनना गुड्स लोड हो जाता है लेकिन हर शिप को स्पेशली ये बोर्डिंग स्टेशन वेसल के केस में होते हैं बोलो मेरे साथ बोलो मेरे साथ एक बार फिर से स्पेशली बोर्डिंग स्टेशन ये वेसल के केस में होते हैं तो जनरल आपका गुड्स लोड हो जाने के बाद ओके आपकी शिप को वेसल को रुकना पड़ता है फॉर चेकिंग ओके यस चेकिंग के लिए आगे रुकना पड़ता है uh, तो पोर्ट पर मैनेजमेंट कैसा होता है गुड्स फटाफट लोड कर लो ओके okay, और गुड्स लोड करने के बाद आगे एक बोर्डिंग स्टेशन होता है जहाँ चेकिंग के लिए रुकना पड़ता है जहाँ ऑफिसर जो है चेकिंग के लिए आता है बोर्डिंग स्टेशन पर आपके कंटेनर चेक करता है क्यों क्योंकि बहुत सी बार ट्रांसपोर्टर भी जो है यहाँ स्मगलिंग में इन्वॉल्व होता है तो ट्रांसपोर्टर अगर स्मगलिंग में इन्वॉल्व है तो गड़बड़ हो जाती है ओके okay, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट के दाम थोड़ी है बहुत सारी शिपिंग कंपनी एयरलाइन कंपनी है okay, ओके जो स्मगलिंग पता पता चला था कि बहुत सारी वो शिपिंग कंपनी स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी एयरलाइन कंपनी स्मगलिंग में इन्वॉल्व थी या उनके क्रू मेंबर्स इन्वॉल्व थे तो अब ऐसे केस में ओके okay, यहां पे एक बात कह ये सारे प्राइवेट एजेंसीज होती है ये कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज़ नहीं होती है या कस्टम डिपार्टमेंट की एजेंसी नहीं होती है ये पूरा इंफ्रा पोर्ट हो गए एयरपोर्ट हो गए एयरपोर्ट हो सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हो सहारा का हो या एयरपोर्ट हो सकता है यहाँ पे आ, आ, मिहान का हो किसी का भी एयरपोर्ट हो सकता है जिसको सी सी अपॉइंट करता है ओके okay. और वहां जाके हमारे कस्टम ऑफिसर कंट्रोल ले लेते हैं तो कस्टम ऑफिसर आपको कोई इंफ्रा नहीं देता है वो सिर्फ कंट्रोल का काम करता है हमारा पैसा चाहिए प्रोसीजर फॉलो करो हमें पैसा दो और लेके जाओ अपना कंट्रोल ले, ले लेता है सारे स्टेशन पे तो ऐसे केस में जहाँ तक है ये शिप शिप को व्सल को आगे जाके रुकना पड़ता है चेकिंग चे, के लिए तो ये रुकने कहाँ रुकेगा बोर्डिंग स्टेशन क्या होगा ये भी अपॉइंट किया जाता है और ख्याल रहे ये स्पेशली ए व्सल के केस में होता है ओके तो यहां पे देखो प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट इन और नियर एनी कस्टम पोर्ट और बोर्डिंग स्टेशन कस्टम पोर्ट बोर्डिंग स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ बोर्डिंग ऑफ और डिसइम्बार्केशन फ्रॉम द वेसल बाय द प्रॉपर ऑफिसर ओके ऑफिस अंडरलाइन ऑफिसर जो है द पर्पज ऑफ बोर्डिंग ऑफ और डिस एंबार्केशन फ्रॉम वेसल फ्रॉम वेसल अंडरलाइन करना कि यहां पर हमारा ऑफिसर कहाँ से बोर्डिंग करेगा कहाँ उतरेगा ओके okay, क्योंकि आपके वेसल की चेकिंग होगी तो वेसल की चेकिंग के लिए जैसे ट्रेन में टीसी आता है ना टीसी सी कहाँ चढ़ेगा टी सी कहाँ उतरेगा वैसे वेसल के केस में स्पेशली ओनली वेसल ना वेसल के केस में, के के में कहाँ कौन से बोर्डिंग स्टेशन से आपके वेसल पर आएगा चेकिंग के लिए कहाँ उतरेगा ओके okay, ये सारा बोर्डिंग स्टेशन अपॉइंट किया जाता है बाय क्या सी सॉरी बाय कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर आई होप आपको ये समझ में आया होगा येस और नो तो बोलिए सर। सर yes समझ में आ गया। ओके okay, तो ये हमने कुछ बेसिक इंफ्रा देखा कि कौन कौन क्या कर सकता है चलो अब आप नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाइए ओके। okay, कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं एंट्री एंट्री का मतलब क्या होता है जब भी इस एक्ट में मैं वर्ड एंट्री ये यूज करूं ओके एंट्री यूज करूं मतलब लिख दो यहां पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर क्लीयरेंस, सिंपल वर्ड में एप्लीकेशन फॉर क्लीयरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स बाय इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर उसे कहा जाता है एंट्री ठीक है उसे कहा जाता है एंट्री अब ये अप्लीकेशन क्या होता है ये और लिखना होगा तो ये एक सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है चलो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं इसको थोड़ा डेप्थ में लेके जाता हूं सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है एंट्री जनरली, ओके, जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में ओके okay, एक ही डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्टेड गुड्स यानी ओके यहां पे बहुत सी बार ऐसे वर्ड आए इंपोर्टर नीड टू फाइल एंट्री अब एंट्री वर्ड बोला मतलब समझ जाना कि बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट के केस में दो वर्ड यूज होते हैं शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट ये लर्न करना पड़ेगा अगर आपका गुड्स वेसल और एक से आता है तो उस एंट्री का नाम होता है शिपिंग बिल और अगर आपका गुड्स व्हीकल से आता है तो उसका नाम होता है बिल ऑफ एक्सपोर्ट बिल ऑफ एक्सपोर्ट बस यही गड़बड़ हो जाती है इसलिए आज आपको ये प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये जो नाम है आप भूल जाते हो इम्पोर्ट केस में नाम होता है बिल ऑफ एंट्री हाँ फिर बिल ऑफ एंट्री तीन पार्ट में डिवाइड होती है ना बेस नाम तो वही है बिल ऑफ एंट्री पर यह बिल ऑफ एंट्री तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इन टू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ठीक है तो यहाँ पे आ, आपके डाउट्स हो गए तो मैं थोड़ा पांच मिनट बाद लूंगा पहले मुझे खत्म करने दो। एंट्री तो फिर ये मतलब बेस डॉक्यूमेंट बिल ऑफ एंट्री पर एक्सपोर्ट केस में बेस डॉक्यूमेंट दो होते हैं शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट व्हीकल से यानी आप अगर ट्रेन से ट्रक से आ, कोई भी व्हीकल मोड से एक्सपोर्ट कर रहे होगे तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट जो लैंड रूट से एक्सपोर्ट कर रहे होगे तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट और अगर आप वेसल और एकराप रूट से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो शिपिंग बिल ठीक है चलिए मैं आपके जस्ट नॉलेज के लिए बता देता हूं कि एंट्री डॉक्यूमेंट होता कैसे यानी आपका इनसाइट और बढ़ जाएगा मेरे पास एंट्री डॉक्यूमेंट रहा तो डेफिनेटली हम कवर करेंगे हाँ है एक मैनुअल एंट्री डॉक्यूमेंट मेरे पास है ये लूंगा ये होती है बेटा एंट्री अगर आप देख रहे हो तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्शन जस्ट फॉर नॉलेज याद नहीं रखना है लेकिन क्या होता है जितना मैं यह चीज़ें आपको बताऊंगा आपका अवेयरनेस उतना बढ़ेगा आपको कॉन्शियस उतना बढ़ेगा और सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट आते जाएगा ठीक है तो इसके जो मेन मेन कंटेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ तो आपको आगे और कस्टम समझने में आसानी होगी ये पूरे कंटेंट होते बिल ऑफ एंट्री में बिल ऑफ एंट्री फाइल करना जोक नहीं है बॉस ओके इसके लिए बहुत एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए इवन दो इंपोर्टर ये अपना सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट देता है लेकिन इंपोर्टर अगर या जस्ट बिजनेसमैन है तो वो अपनी बिल ऑफ एंट्री कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक वो रेगुलर इंपोर्टर ना हो उसको ओके okay, यहाँ पे प्रोफेशनल्स लाइक सी ए सी एम एस सी एस या फिर उसको जो है, यहां बता तो कस्टम हाउस एजेंट्स को अपॉइंट करने पड़ते हैं पूरी बिल ऑफ एंट्री कंप्लीट करने के लिए चलिए आपका इंसाइट बढ़ाता हो तो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा और कॉन्शियसनेस बढ़ेगा और कि ये इंफॉर्मेशन से तो आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा एक बिल ऑफ एंट्री लेता हूं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन ये मैनुअल लिया है पर ये सब अब ऑनलाइन होती है ओके और ये कंटेंट पूरा ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है पोर्ट सबसे पहले तो पोर्ट कोड होता है जैसे आप सी रूट से एक्सपोर्ट कर रहे हो एयर रूट से एक्सपोर्ट कर रहे हो लैंड अब मैं आपको ये बता दूँ कि इम्पोर्ट के लिए ओके कोई भी मोड हो सी हो एयर हो लैंड हो डॉक्यूमेंट का नाम बिल ऑफ एंट्री ही रहेगा ओके okay. एक्सपोर्ट के केस में दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बोलो कौन से दो डॉक्यूमेंट्स कमन बोलो कौन से दो डॉक्यूमेंट्स शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक ही डॉक्यूमेंट होता है हाँ ये बिल ऑफ एंट्री हो सकता है कि कैटेगराइज होगी इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री ठीक है तो आप जो भी कोड यूज़ कर रहे हो एस ए एल जो भी पोर्ट से आपने फिर प्रायर एंट्री स्टैम्प होता है कभी कभी आगे मैं आपको बताऊंगा जो बहुत काम का है कि आप बिल ऑफ एंट्री प्रायर भी सबमिट कर सकते हो यानी अभी तक आपका कंसाइनमेंट नहीं आया ओके पर आने में पंद्रह बीस दिन बाकी है ओके और आप पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल करना चाहते हो सो दैट कि जैसे ही आपका कंसाइनमेंट आ गया फास्ट क्लियरेंस हो जाए स्पीडी क्लियरेंस हो जाए और गुड्स जल्द से जल्द क्लियर हो जाए तो बहुत सी बार ओके okay, लोग पहले से प्रिपरेशन करके रख देते हैं बिल ऑफ एंट्री क्योंकि उनको पता है कौन सा गुड्स आ रहा है कितनी क्वांटिटी आ रही है सब डेटा उनके पास है तो बिल ऑफ एंट्री एडवांस में प्रेजेंट कर दो यार एडवांस में प्रेजेंट कर दोगे तो जल्दी क्लियरेंस हो जाएगा टाइम नहीं लगेगा तो अगर आप प्रायर बिल ऑफ एंट्री सबमिट कर सकते हो तो डेफिनेटली उसको स्पेशल स्टैम्प मिलता है पर ऑनलाइन स्टैम्प नहीं होता है ऑनलाइन वो आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रायर बिल ऑफ एंट्री का ठीक है तो आ, इसके फायदे ये होते हैं कि आपका स्पीडी क्लियरेंस हो जाएगा आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपकी बिल ऑफ एंट्री पहले ही आ गई है उसके बाद में कौन सा इंपोर्ट डिपार्टमेंट है जैसे मुंबई पोर्ट या एयरपोर्ट पनवेल जो भी होगा ओके डेट कस्टम हाउस एजेंट मतलब अगर आपने कोई कस्टम ब्रोकर या एजेंट अपॉइंट किया होगा तो वो केस में उसका कोड होता है क्योंकि कोई भी एजेंट कस्टम्स में काम नहीं कर सकता इसकी स्पेशल एग्ज़ाम होती है सी एच एके स्पेशल एग्ज़ाम होती है ओके कस्टम हाउस एजेंट्स की वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है तब जाके वो एजेंट्स को यहाँ पे लाइसेंस मिलते हैं कि हाँ वो कस्टम क्लियरेंस के लिए हेल्प कर सकता है लोगों को तो अगर आपने एजेंट अपॉइंट किया होगा तो वो एजेंट का कोड भी देना पड़ता है उसके बाद में आपका इंपोर्टेड कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जिसे आईईसी कोड कहते हैं जैसे इनकम टैक्स में पैन होता है जीएसटी में जी होता है वैसे कस्टम्स में भी आपको एक कोड लेना पड़ता है उसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसे आप आईईसी कहते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कभी ऑफिस में सुना होगा ओके इंपोर्टर नेम एंड एड्रेस आपको देना है उसके बाद में वेसल नेम अब वेसल नेम मतलब कौन सी शिपिंग कंपनी है स्टार इंडिया शिपिंग कंपनी ओके अलग अलग नाम होते हैं उसका नाम दो कि कौन सी यहाँ रोटेशन नंबर ये रोटेशन नंबर क्या होता है ये आई नंबर होते हैं मैं जो आगे डिटेल में बाद में बताऊंगा उसके बाद में लाइन नंबर पोर्ट ऑफ शिपमेंट हाँ यहां पे अगर आपका गुड्स अनलोड हो गया होगा तो पूरे पोर्ट पे पूरा बहुत बड़ा पोर्ट होता है दो तीन किलोमीटर का तो कौन से लाइन में है ओके के उसके लाइन नंबर भी दिए जाते हैं तो आपका शिपमेंट कहाँ रखा हुआ है कौन से लाइन में है ये सब इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है अब आपका सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलता है कि भाई ये कौन से लाइन में रखा होगा तो ये इंफॉर्मेशन आप अपनी शिपिंग कंपनी से ले सकते हो कि भाई ये बताओ कि आपने गुड्स कहाँ रखा हुआ है वो सारा डेटा आपको शिपिंग कंपनी प्रोवाइड करती है ठीक है चलो तो आ, आ, यहां पे जहां तक देखा जाए ये सारा कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड कोड हाँ अब आ, ये ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका कंसाइनमेंट कंट्री कौन से कंट्री का ओरिजिन होता है ओरिजिन uh, भी देना पड़ता है मेड इन चाइना मेड इन जापान वगैरह और ये डेटा आपको सप्लायर से मिल जाता है जो आपका सप्लायर है वो देगा ओके okay, उसका एक सर्टिफिकेट भी होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन का कंट्री ऑफ कंसाइनमेंट अब दोनों में फ़र्क क्या है uh, जैसा मैं गुड्स ला रहा हूँ थाईलैंड से लेकिन ओरिजिन चाइना है तो मुझे दोनों देना पड़ेगा कि इम्पोर्ट थाईलैंड से हो रहा है पर ओरिजिन चाइना है ओके okay. क्यों क्योंकि वो स्टॉक चाइना में नहीं मिला या मेरा थाईलैंड का सप्लायर मुझे सस्ते में दे रहा है थाईलैंड के सप्लायर से मेरा रिलेशन है ओरिजिन चाइना को होगा लेकिन मैंने इम्पोर्ट किया थाईलैंड से तो यहाँ पर कंट्री ऑफ कंसाइमेंट कंट्री ऑफ ओरिजिन उसके बाद में होता है बिल ऑफ लैडिंग उसके बाद में होता है बिल ऑफ लैडिंग ये बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है ये ये बहुत काम का है आगे हमारे काम आएगा बिल ऑफ लैडिंग ये डॉ ट्रांसपोर्टर्स कॉपी होती है अब ये ट्रांसपोर्टर कॉपी क्या होती है ओके जैसे जब गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंडल होता है जैसे आपने देखा होगा डे दे टू डे लाइफ में जब ट्रेन को आप गुड्स हैंडल करते हो तो आरआर मिलता है आरआर मतलब रेलवे रिसिप्ट ट्रांसपोर्टर की कॉपी मिलती है जब आप ट्रक वालों को हैंडल करते हो तो आपको लॉरी रिसिप्ट मिलती है एल आर ओके बिल्टी मिलता है वैसे ही जब गुड्स शिप को हैंडल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टर एक डॉक्यूमेंट देता है ट्रांसपोर्टर का ओके और उसका नाम होता है बिल ऑफ लैडिंग उसका नाम होता है बिल ऑफ लाइडिंग एक के केस में एयरवे बिल इस पर हम आगे बात करेंगे ये तो मैं जस्ट आपके अवेयरनेस बढ़ा रहा हूँ कॉन्शियसनेस बढ़ा रहा हूँ ओके ये बिल ऑफ एंट्री मैं बार बार ओपन करूंगा और आपको हर एक बात बताते रहूंगा ओके डोंट वरी फॉर दैट ओके ये बिल ऑफ एंट्री जो है ओके हम ओके एक एक लाइन डिस्कस करेंगे और आपको रियली बहुत मजा आएगा ये तो सिर्फ ओके जस्ट एक सीड अभी तो जस्ट सीड डाल रहा हो आपके अवेयरनेस में वो उसका झाड़ बनेगा और ये पूरा एक एक लाइन में समझाओगे और जिस दिन आप ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करना सीख जाओगे उस दिन कस्टम <laughs> उस दिन दिन हमारा हमारा कस्टम कस्टम खत्म खत्म तो 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 ये तो अभी तो ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है तो बिल ऑफ लैडिंग मतलब ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट होता है उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है फिर आपको पैकेजिंग डिटेल्स देनी पड़ती है पैकेज लिस्ट बनानी पड़ती है तो आपका सप्लायर ने पैकिंग लिस्ट बना के दी होगी ओके okay, वो पैकिंग लिस्ट की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है कि कितने क्वांटिटी है क्या है क्या डिस्क्रिप्शन है ओके okay, पूरा पैकिंग लिस्ट पैकिंग लिस्ट में क्या होता है ओके डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स स्पेशल मार्क्स हो गए या नंबर्स हो गए तो वो दो ओके आई एम ई आई नंबर्स हो गए जैसे मोबाइल है मोबाइल के आई एम आई नंबर्स हो गए तो उसकी डिटेल्स दो मशीन्स के नंबर हो गए तो उसकी डिटेल्स दो कार मॉडल इम्पोर्ट किए गए तो उसकी डिटेल्स दो यानी गुड्स के पैकेजिंग डिटेल्स पैक पैकेज नंबर होंगे जैसे आपने बिस्किट्स इंपोर्ट किए या जो भी इंपोर्ट किए पैकेज नंबर होगे तो उसकी डिटेल्स दो ओके सीरियल नंबर कुछ होगे यूनिट कोड हाँ यूनिट कोड मतलब आपका गुड्स कौन से कोड में गिना जाता है के जी में टन में मीटर में स्क्वायर मीटर में ओके तो उसके कौन सा यूनिट यूज़ हो रहा है आपके गुड्स को गिनने के लिए मेज़र करने के लिए पैकेज गिनने के लिए उसका यूनिट कोड के जी है मीटर है स्क्वायर मीटर है जो भी है आपको यहाँ पर देना पड़ता है वेट होगा तो वेट और वॉल्यूम कितना है ओके उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ओके okay, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है और ये जो डिस्क्रिप्शन है ओके okay, इन दोनों में फ़र्क होता है एक केस आपको बताना चाहूंगा तो आपको थोड़ा इजी होगा समझने के लिए ये आपका जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया एग्जांपल लो और ये रियल केस है और ये केस मैं जानबूझ के लेता हूँ सो दैट ओके आपको आ, समझने में और आसानी हो ओके okay, तो आपको समझने में आसानी हो जैसे ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है ये सब सेल्फ असेसमेंट इंपोर्टर को करना पड़ता है ये कोई कस्टम ऑफिसर नहीं करके देता है ये सारी चीज़ें इंपोर्टर को खुद फाइल करनी पड़ती है और इंपोर्टर उतना होशियार नहीं है तो हम लोग है ओके okay, पर ये सारा डेटा आपको सप्लायर से लेना पड़ेगा आपका डेटा ट्रांसपोर्टर से लेना पड़ेगा और वो सारा डेटा लेके ये बिल ऑफ एंट्री आपको कंप्लीट करनी पड़ती है आता हो हमारे डिस्क्रिप्शन पे ये डिस्क्रिप्शन और ये डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस होता है ओके okay, ये आपका जनरल डिस्क्रिप्शन लेट्स एग्जाम्पल आपने इंपोर्ट किए लड्डू क्या कहा सर लड्डू लड्डू ओके okay, ओके आपने इंपोर्ट किए लड्डू अब अगर आपने लड्डू इंपोर्ट किए ओके आता पे पे अगर यहां पे आपने लड्डू इंपोर्ट किए तो आप जनरल डिस्क्रिप्शन क्या दोगे जनरल डिस्क्रिप्शन दोगे लड्डू इंपोर्ट हुआ है ठीक है जनरल डिस्क्रिप्शन दोगे कि लड्डू इम्पोर्ट हुए यहाँ पे कितने तो किलो वगैरह जो भी सब डिटेल्स दोगे पैकिंग लिस्ट दोगे कितने पैक्स बनाए वगैरह सर इंडिया में लड्डू इम्पोर्ट होते हैं और रियल केस है इम्पोर्ट किए थे लड्डू ओके इंडिया में और वो केस भी हुई थी अब आपने जो लड्डू दिए हैं डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो जनरल डिस्क्रिप्शन है उसका टैरिफ डिस्क्रिप्शन क्या है जैसे कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है तो टैरिफ जब है तो हमारा टैरिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है ओके okay. उसमें ऐसे वर्ड नहीं होते लड्डू जिलेबी सोन पापड़ी ऐसे वर्ड नहीं होते ओके okay. वो इंटरनेशनल ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ओके okay, जब आप कस्टम टैरिफ देखोगे तो आपको आ, हमने टैरिफ ही इसलिए बनाया क्योंकि हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टैरिफ कोड चाहिए क्योंकि कस्टम्स जो है वो हमारे डब्ल्यू पॉलिसी पे बना हुआ है और डब्ल्यू मतलब क्या कि जो टैरिफ कोड इंडिया रहेगा पूरे वर्ल्ड का क्योंकि कॉमन पॉलिसी है तो जो टेरिव कोड प्रोडक्ट का इंडिया में रहेगा वो सारे कंट्री जो डब्ल्यू टी ओ के मेम्बर है ओके okay, उनका वो सेम कोड रहेगा प्रोडक्ट का सो That, कि इंटरनेशनली uh, ट्रेड करना आसान हो ओके okay, तो इसके लिए कॉमन पॉलिसी और कॉमन टैरिफ uh, बनाना जरूरी था इसलिए इंटरनेशनल टैरिफ कोड का डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको देना पड़ेगा जैसे ओके okay, uh, लड्डू जो है यहाँ पे क्लासिफाई होगा स्वीटनिंग मटेरियल ओके भाई स्वीट मटेरियल स्वीटनिंग मटेरियल ऐसे टेक्निकल वर्ड वहां पर यूज किए लड्डू जिलेबी सोन पापड़ी ऐसे वर्ड यूज नहीं किए उसमें ओके okay, तो यहाँ उसमें वो आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उसका टैरिफ कोड क्या है हर प्रोडक्ट को टैरिफ कोड होता है जैसे जीएसटी में कभी आपने एच नंबर यूज किया हो ऑफिस में ओके हर सर्विस को या हर गुड्स को टैरिफ कोड होता है वैसे ही ओके कस्टम टैरिफ एक्ट में देखो अवेयरनेस बढ़ गया आपका सडनली कस्टम टेरिफ एक्ट का इंपॉर्टेंस आपके सामने आ गया और कस्टम टेरिफ एक्ट तो आगे ले बताऊगा भी आपको ऑनलाइन कस्टम टेरिफ एक्ट बताओगे लेकिन ये चीज़ें होती है कि आपका अवेयरनेस बढ़ाए देखो बेटा मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ाना जस्ट लाइन पढ़ लेना यह आता है एग्जाम में इतना पढ़ लो इतना लिख लो ठीक है वो ओके आजकल का ट्रेंड है आप कर भी लोगे लेकिन कैसा है अवेयरनेस जब बढ़ती है जब ये चीज़ें आपके सामने आती है और ये आपकी डेप्थ बढ़ाती है ठीक है चलिए ओके तो जहाँ तक देखा जाए और होता क्या है मैं इतना आपको पढ़ा रहा हूँ हो सकता है भूल जाओगे आप ओके हो सकता है भूल जाओगे क्यों क्योंकि आपके ऊपर पढ़ने का बहुत प्रेशर है पढ़ने का इतना सारा प्रेशर है कि रिवीजन नहीं हो पाएगी ओके आप भूल जाओगे फिर एग्जाम के दो महीने पहले क्या हो जाएगा कि आपको ना ओके okay, अब आपके एक साइकोलॉजी बढ़ेगी और साइकोलॉजी क्या बढ़ेगी कि आपको यार रिवाइज़ कर दे फिर यूट्यूब पे आएगा कोई एक उड़ते हुए ओके okay, मैं आपको 10 मिनट में रिवीजन करके 10 लेक्चर में रिवीजन करके देता हूँ वो अपने रिवीजन वीडियोस डाल देगा ओके okay, फिर रिवीजन वीडियोस डालने के बाद आपको मज़ा आएगा और एक क्या मज़ा आ गया मज़ा आ गया दस लेक्चर में भाई साहब वो दस लेक्चर समझने के लिए पूरी मेहनत मैं कर रहा हूँ ओके okay, मैं पर गलती क्या है मेरी मेहनत पर आप पानी कब फेर दोगे पता है क्या पानी तब फेर दोगे ओके आप रिवाइज नहीं करोगे और फिर एग्जाम के एक डेढ़ महीने पहले आपको चाहिए कोई शॉर्टकट कोई आएगा यूट्यूब पे उड़ते उड़ते ओके और वो आपको बताएगा मैं शॉर्टकट बताता हूँ आप शॉर्टकट और फिर आपको क्या हो कि भाई विशाल सर ने ना अरे बाप रे लेकिन ये दस लेक्चर में ना ऐसा हो गया ओके मजा आ गया भाई साहब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मैं ही रिविजन दूंगा आपको मैं रिविजन दूंगा यानी हनुमान भी मैं ही बनाऊंगा और उड़ना भी मैं ही सिखाऊंगा चलिए यहाँ पे और एक स्टूडेंट साइकोलॉजी ये भी होती है कि रेगुलर क्लास से ज्यादा आपको रिविजन क्लास वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्यों क्योंकि उसने उड़ा उड़ना सिखा दिया अरे भाई हनुमान तो मैंने बनाया <laughs> चलिए आते हैं हमारे डिस्कशन पे ओके <clears throat> okay, आते हैं हमारे डिस्कशन पे अब वो वो कोई रिविजन क्लास लेगा तो ये बिल ऑफ एंट्री थोड़ी दिखाएगा वो तो आपको एक लाइन में खत्म कर देगा यू हैव टू फाइल बिल ऑफ एंट्री पर भाई साहब ये बिल ऑफ एंट्री होती क्या है मेहनत मैं ले रहा हूँ ओके okay, मेहनत मैं ले रहा हूँ विला एंट्री होती क्या ये बताने की चलिए चलो तो अब यहां पे क्या होता है कि कस्टम टेरिफ कोड आपको देना पड़ता है हर प्रोडक्ट के टेरिफ कोड होते हैं तो वो टैरिफ कोड जो है आपको यहां मेंशन करना पड़ता है नेचर ऑफ ड्यूटी कोड हाँ हर ड्यूटी को कोड भी दिया जाता है जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी का एक कोड है एडिशनल कस्टम ड्यूटी का कोड है एंटी डंपिंग ड्यूटी का कोड है प्रोटेक्टिव ड्यूटी का कोड है ओके okay. ओके सॉरी ओके वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे तो जो भी ड्यूटी लगने वाली है आपके गुड्स पे हो सकता है आपके गुड्स पे बी लगे हो सकता है आपके गुड्स पे एडिशनल ड्यूटी लगे हो सकता है आपके गुड्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगे सेफ ड्यूटी लगे तो ये जो है ओके okay, वो कोड आपको देने पड़ते हैं फिर आपको अपने गुड्स की वैल्यू असेस करनी पड़ती है और यही है हमारा वैल्यूएशन चैप्टर कि आप अपने गुड्स की वैल्यू कैसे असेस करोगे जिसमें बहुत सारी टर्म्स आएगी एफ आएगा सी आएगा एफ वैल्यू सी वैल्यू वैल्य। क्या ऐड करना पड़ता है क्या लेस करना पड़ता है यहाँ हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाता है तो ये सब वैल्यूएशन इंपोर्टर को खुद को सेल्फ असेस करना है और वो सेल्फ असेस करके यहां पे अपनी डिटेल्स देना है अब वो सेल्फ असेसमेंट करना क्या है इसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं यार रोज सुबह ओके यहां पे तीन घंटे हम पढ़ रहे हैं ओके कि ये सब असेसमेंट कैसे होगा उसके बाद में ओके जो भी आपका बेसिक ड्यूटी का रेट और एडिशनल ड्यूटी का रेट है वो सब आपको डिटेल्स देनी पड़ती है ये डिटेल्स भी जब मैं आपको आगे और कौन से पढ़ाऊंगा असेसिबल वैल्यू कैसे निकलती है पढ़ाऊंगा तो सब आगे जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है ये मैनुअल बिल ऑफ एंट्री हो गई ओके ऑनलाइन के लिए पोर्टल पर जाना पड़ता है बेटा और पोर्टल का एक्सेस जो है मेरे पास नहीं क्योंकि मेरे पास आई सी नहीं है ओके मैं कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं हूँ पर यह मैनुअल बिल ऑफ एंट्री के बेस पर मैंने समझाने की कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपके क्या हो गए ओके ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री अब मैनुअल बंद हो गई है ये सारे कंटेंट्स आपको ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री में देने पड़ते हैं आपकी ड्यूटी कैलकुलेट करो वो ड्यूटी जो है आपके नंबर ऑफ पैकेज बताओ ड्यूटी इन वर्ड्स बताओ और ये ये बिल ऑफ एंट्री आपने ये जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की इसके साथ पेमेंट चालान और अदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं और जो जो भी डिस्क्रिप्शन के डॉक्यूमेंट्स है पैकिंग लिस्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं और वो आपको ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है ओके ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी पड़ती है तो चलो ये जस्ट मैंने रेफरेंस आपको बताया वापस आते हमारे डिस्कशन में आप देखो आपका अवेयरनेस ही बढ़ गया और आपका यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट समझने का इम्पोर्टेंस ही बढ़ गया अब ये वर्ड्स नहीं बचे इसको इनसाइट मिल गया तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री आपको फाइल करनी पड़ेगी मतलब क्या मतलब इंपोर्टर इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और अगर एक्सपोर्ट गुड होगा कम ऑन कम ऑन क्या एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो शिपिंग बिल शिपिंग बिल भी सारी डिटेल्स एक्सपोर्ट गुड्स की वैसी होती है जैसे बिल ऑफ एंट्री होती है तो वेसल और एयरक्राफ्ट होगा बोलो मेरे साथ वेसल और एयरक्राफ्ट होगा तो शिपिंग बिल ओके और अगर व्हीकल होगा तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्स्ट डेफिनेशन है लाइबिलिटी पर्टिकुलर थिंग इन चार्ज यानी क्या अगर हम बात करें तो वेसल के केस में पर्सन इन चार्ज रहेगा मास्टर ऑफ द वेसल डेफिनेशन लर्न करके जाना ओके okay, पूछा जा सकता है डिफाइन पर्सन इन चार्ज ठीक है तो पर्सन इन चार्ज वेसल होगा तो मास्टर ऑफ द वेसल कैप्टन वर्ड मत यूज करना मास्टर ऑफ द वेसल यूज करना वो पर्सन इन चार्ज बोला जाएगा इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट कमांडर और पायलट इन चार्ज ऑफ एयरक्राफ्ट ओके वो पर्सन इन चार्ज बोला जाएगा कमांडर और पायलट चार्ज ऑफ एयरक्राफ्ट इन रिलेशन टू रेलवे ट्रेन कंडक्टर हां ट्रेन में कंडक्टर होगा तो कंडक्टर गार्ड होगा तो गार्ड और अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द टेन ओके तो कंडक्टर होगा गार्ड होगा या कोई भी जिसपे बस पूरा कंट्रोल है ट्रेन का वो उसका पर्सन इन चार्ज माना जाएगा डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगा और इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस एनी अदर कन्वेंस में फिर ट्रक हो एनिमल्स हो ड्रोन हो कोई भी हो द ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस तो सिंपल वर्ड में ओके okay, अगर वेसल होगा तो वेसल सॉरी गए भाई चलो वेसल होगा तो चलो मेरे साथ बोलो वेसल होगा तो मास्टर ऑफ द वेसल एयरक्राफ्ट होगा ओके तो कमांडर और पायलट इन चार्ज ऑफ एयरक्राफ्ट ओके रेलवे ट्रेन हो गई तो कंडक्टर या गार्ड और ओके कन्वेंस अदर कोई भी कन्वेंस होगा तो ड्राइवर या एनी पर्सन इन चार्ज चलो नेक्स्ट एक वर्ड मैं यहाँ लेना चाहूँगा और वो है प्रोहिबिटेड गुड्स ये भी वर्ड बार बार सेक्शन में आएगा और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं ये क्यों क्योंकि अगर आपका गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स होगा उसका आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ये वर्ड जो आएगा ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी आएगा हमारे कुछ सेक्शन में भी आएगा तो ये डेफिनेशन अगेन ये डेफिनेशन हो सके तो लर्न करके जाना प्रोहिबिटेड गुड्स के स्टार करो भाई जो स्टार करो वो लर्न करना पड़ेगा आपको ठीक है सेक्शन नंबर नहीं भी याद रहे तो चलेगा ओके okay, पर डेफिनेशन का कंटेंट आपको याद रखना जरूरी है प्रोहिबिटेड गुड्स एने क्या मीन्स एनी गुड्स द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोहिबिशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स मतलब जिसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है रोका गया इस एक्ट में या ध्यान से सुनिएगा इस एक्ट में और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स मतलब या इंडिया का कोई भी दूसरा एक्ट ले लो फेमा ले लो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ले लो ओके या कोई भी नारकोटिक्स एड ले लो ड्रग्स कंट्रोल एक्ट ले लो किसी भी एक्ट में अगर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों भी अगर प्रोहिबिट किया गया होगा या दोनों में से कुछ भी प्रोहिबिट किया होगा तो उसको प्रोहिबिटेड गुड्स माना जाएगा और किसी भी एक्ट के तहत या इस एक्ट के तहत प्रोहिबिशन होगा तो उसका इंपोर्ट

लेकिन अगर कोई गुड्स कंडीशनल हो गए कंडीशनल हो गए मतलब गन आर्म्स और एबिनेशन ले लो आर्म्स और एमनेशन कंडीशनल इंपोर्ट है ओके या आप रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कह सकते हो मतलब क्या मतलब आर्म्स और एबिनेशन अगर आप ला रहे हो तो उसके लाइसेंस इंडियन गवर्नमेंट के आपके पास होना जरूरी है या ड्रग्स ला रहे हो तो ड्रग्स के अंदर आपके पास इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ड्रग्स कंट्रोल एक्ट लाइसेंस या अप्रूवल होना जरूरी है तो अगर कोई गुड्स प्रोहिबिटेड होगा पर कंडीशनल अलाव होगा और वो कंडीशंस आपने फुलफिल कर दी हाँ आपके पास लाइसेंस है और लाइसेंस होने की वजह से आपने वो कंडीशंस फुलफिल कर दी तो वो प्रोहिबिटेड गुड्स एक्सक्लूड कर दिया जाएगा मतलब वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं माना जाएगा अगर आप कंडीशन फुलफिल कर देते हो अगर एग्जाम में सवाल आता है डिफाइन प्रोहिबिटेड गुड्स अगर एग्जाम में सवाल आता है डिफाइन प्रोहिबिटेड गुड्स और आप ऐसे लिखते लिखते हो बहुत ही जनरल आंसर में प्रोहिबिटेड गुड्स मीन्स गुड्स विच आर प्रोहिबिटेड एंड नॉट अलाउड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ विच इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया तो आपको आउट ऑफ टू मार्क्स वन मार्क दिया जाएगा उससे ज़्यादा कुछ वन भी मुश्किल से मेरे जैसा रहेगा तो हाफ मार्क ही हम देंगे तो इन शॉर्ट जहाँ तक देखा जाए प्रोहिबिटेड गुड्स की अगर डेफिनेशन पूछी गई रेयरली रेयर पॉसिबिलिटी है पर अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो फिर ये पूछेंगे प्रोहिबिटेड गुड्स तो प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन पूछी गई तो ऐसा का ऐसा लिखना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स बट डज नॉट इंक्लूड दैट गुड्स कंडीशन टू विच इट इज अलाउड है कम्प्लाई कर दिया तो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं बोला जाएगा जैसे ड्रग्स हुआ ह्यूमन स्केलेटन हुआ एनिमल्स हुए जिसकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते हो विदाउट कंडीशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए रिगार्डिंग टू प्रोहिबिटेड गुड्स यस और नो चलिए तो यह हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा ओके यहाँ पे प्रोहिबिटेड गुड्स का <clears throat> ड गुड्स का देखा यहां तक डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट थी ये चैप्टर के लिए ये डेफिनेशंस हमने कंप्लीट की समझ में आया आपको यस और नो अरे बोलिए कुछ तो बोलिए नालायको कुछ तो बोलो नालायको ठीक <laughs> है then, 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 then. अब थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया तो ब्रेक चाहिए <laughs> लो, ब्रेक ले लो ब्रेक ले लेते हैं दस मिनट का और उसके बाद डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखो बेटा ब्रेक ज्यादा नहीं होगा इतना ही होगा क्यों क्योंकि हमें क्लास मुझे तो विदाउट ब्रेक मिनट कवर करना है ओके सॉरी विदाउट ब्रेक तीन घंटा कवर करना है ओके तो ही मैं विदिन टाइम कंप्लीट कर पाऊंगा ठीक है और जो यहां पे ऑनलाइन डाउनलोड करके देख रहे या पी में देख रहे उनको सिर्फ मैं बीच में दो मिनट का ब्रेक डाल के दूंगा तो वो पॉज करके बाद में कंटिन्यू कर लेना हाँ जो मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में है तो यहाँ पे यस हम दस मिनट का वेट करके फिर कंटिन्यू करेंगे जो ऑनलाइन डाउनलोड करके दे रहे उनको सिर्फ एक या दो मिनट का ही ब्रेक रहेगा और फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा तो पर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो दस मिनट का क्या दस घंटे का क्या जैसा ब्रेक लेना है ले सकते हैं ठीक है 得了。 चलिए बेटा आपका एक सवाल आ सकता है और वो रिलेटेड टू बोर्डिंग स्टेशन सर जैसे आपने ये कहा कि बोर्डिंग स्टेशन में सिर्फ वेसल को अप्लीकेबल है और एयरक्राफ्ट को नहीं है क्या होता है एयरक्राफ्ट में टाइम कम मिलता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो इंस्पेक्शन लोडिंग अनलोडिंग के टाइम ही हो जाता है एयरक्राफ्ट में और जनरली इंडिया में, में मेजर मेजोरिटी ऑफ गुड्स शिप से इंपोर्ट होते हैं एक राफ्ट में पूरे इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो पाँच से दस परसेंट से ज़्यादा एक रॉफ्ट से नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है कि एक के केस में चेकिंग नहीं होता है चेकिंग तो होता है पर वो लोडिंग के टाइम ही हो जाता है पर शिप बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स होती है तो लोडिंग के टाइम अगर अगर लोडिंग के टाइम इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो उनको बोर्डिंग स्टेशन पर रुकना पड़ता है ओके तो इंस्पेक्शन तो दोनों केस में होगा लेकिन एक रात में एक बार एक रात ऊपर जाने के बाद कैसे रुकेगा उसका चेकिंग तो हमको पहले से ही करना पड़ेगा ठीक है उसका चेकिंग तो हमको पहले से ही करना पड़ेगा तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे, एक एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है इसलिए मैंने बता दिया जस्ट ए मिनट बेटा जस्ट ए मिनट एक मिनट में स्टार्ट चलिए अब आते बेटा नेक्स्ट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको कहा कि मोड कोई भी हो सकता है इंपोर्ट का गुड्स इंपोर्टेड बाय सी एयर और लैंड जनरली इसको कार्गो कहते हैं जो सी एयर लैंड के थ्रू इंपोर्ट होता है पोस्ट के थ्रू भी इंपोर्ट हो सकता है बैगेज के थ्रू भी इंपोर्ट हो सकता है और एज अ स्टोर्स भी हो सकता है अब मैं आपको यह बता दू बैगेज और स्टोर से रिलेटेड अगर इंपोर्ट होता है तो इससे रिलेटेड सेपरेट चैप्टर आपको लिखना है तो लिख सकते हो ओके वी विल डिस्कस वी विल डिस्कस डिटेल प्रोसीजर डिटेल प्रोसीजर इन सेपरेट चैप्टर यहां पे सेपरेट चैप्टर में उसकी डिटेल प्रोसीजर हम डिस्कस कर लेंगे अभी जो मैं मेनली प्रोसीजर बताऊंगा वो रिलेटेड टू कार्गो होगी सर व्हाट डू यू मीन बाय कार्गो कार्गो मतलब जनरली गुड्स बड़े बड़े कंटेनर्स में आ रहा है जिसकी आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो वो पोस्ट बैगेज नहीं है वो पैकिंग हो रही है पैकिंग लिस्ट दे रहे हो बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो उसे ओके okay, यहाँ पे <clears throat> यहाँ पे जहां तक हम कहेंगे कि कार्गो कहते हैं चलो डन तो अब थोड़ा हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं ठीक है पहला सेक्शन 29 नाइन यहाँ कंसिडर करेंगे और सेक्शन 29 में दी गई प्रोसीजर ओके देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप पूरा कंट्रोल समझ लो अगेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग होने वाली है पर रिवीजन में इजी हो जाएगा और इस चैप्टर को देखने का तरीका आप ये मत देखना कि ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है नहीं इस चैप्टर को जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो समझने के हिसाब से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा पढ़ो बाकी सेक्शन कौन से अच्छे से करना है क्वेश्चन कैसे आते हैं हम क्वेश्चन है तो जरूर डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए आ जाइए यहाँ पे अराइवल ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया ओके अगर आप पिक्टोल प्रेजेंटेशन से देखते हो तो जब भी कोई कन्वेंस अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं कन्वेंस कन्वेंस मतलब वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट कोई भी कन्वेंस इंडिया में आ रहा है तो जब भी ये कन्वेंस इंडिया में आता है तो वो ओके okay, इंडिया में कहीं पे भी नहीं रुक सकता जैसे इसका जो पर्सन इन चार्ज होगा अब नए नए वर्ड्स आ रहे हैं पर्सन इन चार्ज होगा मतलब मास्टर ऑफ द वेसल होगा उसका मूड हो गया कि चलो यार थोड़ा आइलैंड पे जाके आराम कर लेते हैं ओके okay, एंजॉय करते हैं मजा करते हैं ऐसा अलाउड नहीं है सेक्शन ट्वेंटी नाइन कहता है कि जब जब भी कोई पर्सन इन चार्ज अपना वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल व्हीकल भी इसमें कवर होता है वो इंडिया में लेके आएगा तो उसको पर्सन इन चार्ज को ओके okay, कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी इन शॉर्ट अभी हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं ये सारी जिम्मेदारियां पर्सन इन चार्ज की है इम्पोर्ट तो अब इंपोर्टर तो बाद में आएगा इंपोर्टर तो अभी घर पर बैठा है इंपोर्टर तो तब आएगा जब उस गुड्स okay, अनलोड हो जाएगा पोर्ट पर ओके okay. कस्टम पोर्ट पे अनलोड हो जाएगा तब आएगा इंपोर्ट अभी तो बेटा यहाँ पे जब भी कोई शिप बाहर से इंडिया में आ रही है इमेजिनरी लाइन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करके आ रही है ओके तो पहला रिस्ट्रिक्शन पर्सन इन चार्ज पे डाला हुआ है और ये रिस्ट्रिक्शन पर्सन इन चार्ज पे ये डाला हुआ है कि ये अपना वेसल क्या कोई भी आइलैंड पे जाके कोई भी प्लेस पे रोक सकता नहीं क्या अपना शिप ओके okay, कोई भी आ, पोर्ट डोमेस्टिक पोर्ट हो या कोई भी जगह हो अब पूरा इंडिया की इतनी बड़ी शोर लाइन है कहीं पे भी रोक सकता नहीं कहीं पे भी नहीं रोक सकता वो अपनी शिप ओके okay, अगर उसने यहाँ पे कस्टम पोर्ट के अलावा जो कस्टम पोर्ट सी ने अप्रूव की है उसके अलावा कहीं पे भी रोक दी अपनी शिप ध्यान से सुनना अपनी शिप कहीं पे भी रोक दी इधर हो या पूरे सी शोर कहीं पे भी हो तो ये माना जाएगा कि वो बंदा स्मगलिंग में इन्वॉल्व है और वो बंदा स्मगलिंग में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे कस्टम्स ऑफिसर वो शिप को रोक लेगा गुड्स डिटेन कर लेगा कॉन्फिस्केट कर लेगा और ओके जो पर्सन इन चार्ज है उसके ऊपर भी हेवी पेनल्टी लगा देगा और उसको अरेस्ट भी कर लेगा तो यहाँ पे सेक्शन 29 पहला रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट पे पर्सन इन चार्ज पे ये डालता है आपके सवाल प्लीज़ अभी मत पूछना मुझे बीन बिटवीन डिस्टर्ब मत करना जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन है लिख के रखो और मैं क्लास के एंड में एंटरटेन करूंगा तो जो भी बंदा पर्सन इन चार्ज है ये पर्सन इन चार्ज जो है यहां पे पहला रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर डालेगा कि जब जब भी इंडिया में कोई भी वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल यानी कन्वेंस इंडिया में गुड्स लेके आएगा तो वो जो अपना पहला कॉल लेगा पहला लैंडिंग करेगा वो सिर्फ कस्टम पोर्ट पे या लैंड कस्टम स्टेशन पे ही कर सकता है इसके अलावा अगर कहीं रुका तो इस सेक्शन का ऑफेंस माना जाएगा और आपके ऊपर ओके हम सारी पेनोल्टीज फाइंस और कॉन्फिस्केशन के प्रोविजन लगा देंगे ओके तो चलिए आई होप आपको ब्रॉड सेंस में समझा होगा सेक्शन 29 क्या कहता है इसकी प्रोविजंस यहां पे देख लेते हैं

या फिर ओके okay, जब तक वो इंडिया के टेरिटरी में रहेगा ओके वाइल ओके इन कैरिंग पैसेंजर और कार्गो विद इन इंडिया वो जो है ओके okay, उसका अराइवल जो होगा लैंडिंग जो होगा वो लैंडिंग यहाँ पे कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही रहेगा इसके अलावा और कहीं नहीं रुक सकता अनलेस परमिटेड बाय बोर्ड ओके टू लैंड एट एनी अदर प्लेस लेकिन ओके okay, कोई अदर प्लेस पे रुकना हो तो CBIC की बोर्ड का मतलब CBIC की स्पेशल परमिशन लगेगी अगर ये समझा होगा तो वन टाइप करो ये समझा होगा तो फटाफट वन टाइप करो ओके okay, तो सर एक लाइन में समझ में आ गया कि जब भी कोई वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल कोई भी होगा ओके okay, तो यहाँ पे उसको लैंडिंग जो है क्या कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन पे ही करनी पड़ेगी यस yes, उसको लैंडिंग करनी पड़ेगी अब चलिए नेक्स्ट प्रोविजन देख लेते हैं यहाँ पे ना उसके एक्सेप्शंस यह एक्सेप्शन क्या कहते हैं देखो एक्सेप्शन कहते हैं इट मे बाय लैंड और एनी अदर प्लेस ओनली कंपेल्ड इट मे लैंड सॉरी इट मे लैंड या कॉल एट एनी अदर प्लेस ओनली कम्पेल्ड बाई एक्सीडेंट बैड वेदर और ड्यू टू समवॉर्डेबल रीजन हाँ लेकिन एक्ट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया कि कभी कभी जुनोइन प्रॉब्लम होता है कि हमको कोई ऐसे प्लेस पे लैंड करना है जो अप्रूव कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट और लैंड कस्टम स्टेशन नहीं है पर हमें वहाँ पे लैंड करना है तो क्या हम ऐसा प्लेस पे लैंड कर सकते हैं यस कर सकते हैं और एक्ट ने खुद ने ही सिचुएशन बताई कौन कौन से केस में कर सकते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ हो बैड वेदर हो ओके okay, ये एक्सीडेंट हुआ हो बैड वेदर हो और कोई जनवइन रीजन हो तो वो केस में ही कर सकते हैं सीधी बात है यार एग्जाम्पल फायर ब्रोकआउट इन अवेसल ओके okay, एयरक्राफ्ट आग लग गई ओके okay, आग लग गई और यहाँ पे पायलट जो है एयरक्राफ्ट चला रहा है पैसेंजर कह रहे हैं okay, ओके रोक भाई कहीं रोक जल्दी लैंड कर रुक जाओ ओके कस्टम पोर्ट नहीं दिख रहा है कस्टम्स एयरपोर्ट नहीं दिख रहा है ओके okay, सेक्शन ने कहा है क्या कहा है कि जब तक कस्टम्स एयरपोर्ट नहीं दिखेगा मैं ओके okay, लैंड नहीं कर सकता ओके okay, वो पैसेंजर हो गए या कार्गो क्यू मेंबर्स हो गए तो खींच के मारेंगे यार जान भी पड़ी है यार तुझे कस्टम एयरपोर्ट दिख ढूंढ रहा है अरे जहां दिखता है वहां लैंड कर ओके okay, तो इन शॉर्ट ऑब्वियस है बेटा फिर वो यहां पर okay, वो शिप हो एयरक्राफ्ट हो ओके okay, एक्सीडेंट हुआ हो बैड वेदर हुआ हो या कोई अनबल रीजन हो तो वो ओके okay, कोई अदर प्लेस पे लैंड कर सकता है उसको कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट या लैंड कस्टम स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है पर अगर उसने अदर पोर्ट या एयरपोर्ट सॉरी उसने अदर प्लेस पे लैंड कर लिया तो ओके okay, पर्सन इन चार्ज पे ये जिम्मेदारी है ओके okay, पर्सन इन चार्ज पे ये जिम्मेदारी है क्या क्या तीन जिम्मेदारियां उसके ऊपर होगी अगर उसने अदर प्लेस पे लैंड किया होगा तो पहली मस्ट रिपोर्ट रिपोर्ट को ऐसा बॉक्स करना ही मस्ट रिपोर्ट टू नियस्ट पोलिसाइन हाईलाइट करते जाओ ओके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ा हुआ है अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम पढ़ते वक्त साइकोलॉजी बड़ा अजीब काम करती है क्या कैसा लगता है पढ़ाता कि पढ़ा था नहीं पढ़ाता डाउट क्रिएट हो जाता है अपने ही आप ही डाउट आप क्रिएट कर लेते हो इसलिए मेरा आपको यह कहना है कि भाई साहब ओकि हाईलाइट अंडरलाइन बहुत जरूरी है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट देती है कि हां भाई पड़ा हुआ है ठीक है तो ही मस्ट रिपोर्ट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिसर ऑफ सच इमरजेंसी अराइवल ओके अगर उसने कोई भी अदर प्लेस पे लैंड कर लिया तो जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा या कस्टम डिपार्टमेंट होगा ओके okay, उनको इन्फॉर्म रिपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये गड़बड़ हो गई एक्सीडेंट हो गया बैड वेदर हो, हो गया मैंने इसके वजह से लैंड किया हुआ है नाउ सेकेंड ओके विदाउट द कंसेंट ऑफ सच ऑफिसर ही शैल नॉट परमिट मतलब जब तक ऑफिसर को कंसेंट नहीं मिलता है तब तक शैल नॉट परमिट एनी गुड्स कैरिड इन अ कैरीड एयरक्राफ्ट टू बी अनलोडेड फ्रॉम मतलब क्या कि यहां पे जहां तक देखा जाए यहां पे एक बार देखा जाए कि जब तक पुलिस ऑफिसर नहीं आते जब तक कस्टम ऑफिसर नहीं आते वो अपने कन्वेंस का कोई भी गुड्स अनलोड नहीं करेगा ओके ही कैन नॉट अनलोड और परमिट अनलोडिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वेसल और एयरक्राफ्ट क्योंकि ऑफिसर को आने दो तो सब जो ऑफिसर के सामने करेगा तब तक वो अनलोडिंग नहीं करेगा ये उसकी जिम्मेदारी बनती है अगर उसने अदर प्लेस पे लैंड किया होगा तो और एनी ऑफ क्रू और पैसेंजर टू डिपार्ट फ्रॉम द वेसिनिटी ऑफ द वेसल और कोई भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को वहां से जाने नहीं देगा हो सकता है कि कोई पैसेंजर क्रू क्रू मेंबर ने जानबूझ के आग, आग लगाई होगी कोई स्मगलिंग करने वाले होंगे ओके या हाईजैक करने वाले होंगे जानबूझ के आग लगाई होगी ओके तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसने कोई अदर प्लेस पे लैंड किया तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे वो गुड्स भी अनलोड नहीं करेगा जब तक ऑफिसर नहीं आते पुलिस ऑफिसर कस्टम ऑफिसर और कोई भी पैसेंजर्स को या क्रू मेंबर को वहाँ से नहीं जाने देगा हाँ

अब आग लगी है लोग चिल्ला रहे इधर उधर भाग रहे ओके और ये पायलट कह रहा है खबरदार कोई अगर बाहर निकला तो ओके सेक्शन ट्वेंटी नाइन कहता है कि अगर मैंने कोई अदर प्लेस प्लान किया तो डोंट अलाउ विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफिसर टू लीव दिस ऑफ द वेसल को कोई नीचे नहीं उतरेगा पुलिस ऑफिसर को आने दो कस्टम ऑफिसर को आने दो फिर मैं आपको नीचे उतरने दूंगा ओके okay. पैसेंजर बोलेंगे न लायक ओके okay. यहाँ आग लगी है हमको दौड़ने भागने दे दूर जाने दे ओके okay. तुझे अपने पुलिस ऑफिसर की पड़ी है, दो खींच के देंगे ओके okay. तो इन सिंपल वर्ड ओके अगर पैसेंजर के सेफ्टी के लिए हेल्थ के लिए या गुड्स के प्रिजर्वेशन के लिए गुड्स के प्रिजर्वेशन के लिए उनको वहां से बाहर निकालना जरूरी है तो फिर करना ही पड़ेगा यार ओके लॉ तब तक ठीक है जब तक कोई जान हानि ना हो गुड्स की हानि ना हो ओके okay, लॉ के चक्कर में क्या जान गवा दोगे आप ओके okay, भाई लॉ इतना लॉ नहीं है कि इसके लॉ पे पड़ जाए कि <laughs> ओके okay, okay, हम यहां पे अपनी जान गवा दें तो यहां तक देखा जाए <clears throat> ये तो ठीक है कोई गुड्स अनलोड मत करो ठीक है कोई पैसेंजर को मत जाने दो लेकिन उनकी हेल्थ सेफ्टी के लिए जरूरी होगा तो करना पड़ेगा ना नेक्स्ट क्लॉज सी ही शाल नॉट कंप्लाई विद द विदेक्शन गिवेन बाय सच ऑफिसर फॉर गुड्स सॉरी ही शाल नॉट बोल दिया कितनी बड़ी गड़बड़ होगी ही शाल कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवेन बाय सच ऑफिसर फॉर गुड्स और फॉर गुड्स एंड नो पैसेंजर क्यू में शाल डू द इमीजिएट विटी ऑफ द vessel विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफिसर ओके okay, और जो भी ऑफिसर आएगा पुलिस ऑफिसर आएगा या कस्टम ऑफिसर आएगा उसने जो जो भी डायरेक्शंस दी है ओके okay, ओके okay, वो डायरेक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी और कोई भी पैसेंजर वहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक उसका पुलिस इंस्पेक्शन नहीं होता है ओके okay, या कस्टम्स ऑफिसर का इंस्पेक्शन नहीं होता है बहुत सारी जनरल वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं बहुत सारे जनरल वर्ड्स यूज किए हैं लेकिन मैं आपको यह कह दूं कि आपको लिखते वक्त बहुत पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ओके सेक्शन ट्वेंटी नाइन पे केस स्टडी आ सकती है तो वहां लिख दो यहाँ लिख दो ओके ये ना डेफिनेशन मुझे नहीं पूछना विसिनिटी मतलब वो क, वेसल या का एरिया नहीं तो आजकल का ज़माना ए का है चैट जीपीटी का ज़माना है भाई ओके यहाँ पे डाल दो आपको विसिडिटी का मीनिंग पता चल जाएगा तो ये ना बच्चों जैसी आजकल के जमाने में बच्चों जैसी बात मत करो कि आपको वर्डिंग्स जो है ओके जाके ढूंढ के अंदर वो डिक्शनरी ओपन करना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा भाई साहब ओके उतने जो तो मैच बन जाओ तो इन शॉर्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्म इंपौर् ऑफ केस स्टडी केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है ठीक है ट्वेंटी नाइन पे अगर केस स्टडी आई तो क्या लिखना है पहला पहला ये लिखना है कि आपकी लैंडिंग जो होनी चाहिए कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे होनी चाहिए दूसरा दूसरा एक्सेप्शन uh, क्या है तो ये तीन एक्सेप्शन आपको लिखना है ओके अगर ये क्वेश्चन तीन मार्क का आया तो पहले इसके लिए ओके यहाँ पे वन एंड हाफ मार्क रहेगा आपने पहला पॉइंट लिखा और दूसरा जो है यहाँ पे ये तीन एक्सेप्शन पे वन एंड हाफ मार्क रहेगा और इस तरह से आपकी केस स्टडी कंप्लीट होगी ओके तो ये पॉइंट वाइज मैनर में आपको लिखना है वर्डिंग्स प्रॉपरली लिखना है ओके डन यस और नो ओके डन ड ना डन डन होगा तो डीडी टाइप करो और लेक्चर अच्छा लगा ना लायक जो स्ट्रीम लाइन ऑनलाइन देख रहे ओके okay, ये डेमो लेक्चर है और कोई अगर यहाँ पे देख रहा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि लाइक तो करो <laughs> अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करो और शेयर करो जितना ज़्यादा होगा ओके okay, यहाँ पे चलो चलो नेक्स्ट जो है सेक्शन थर्टी पे आते हैं इसके प्रोसीजर देख लेते हैं डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट आपको तो वैसे अब यही वर्ड याद रखना है क्योंकि कस्टम में अभी यही वर्ड यूज होता है अराइवल मैनिफेस्ट जिसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट भी कहा जाता है आईजीएम आईजीएम मतलब ओके okay, यहां लिख दो आईजीएम मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ओके उसको अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट भी कहा जाता है ठीक है आ, अब यहां पे डिलीवरी <coughs> और अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट सर कितने नाम याद रखे कोई एक बोलो ना अराइवल मैनिफेस्ट ओके और क्या हो जाता है डे टू डे लाइफ में आई वर्ड भी यूज होता है इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट हो सकता है कोई बुक में आप आईजीएम वर्ड यूज देखो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इन सिंपल वर्ड मैनिफेस्ट इंपोर्ट का मैनिफेस्ट इम्पोर्ट का मैनिफेस्ट अराइवल का हो या इंपोर्ट रिपोर्ट का हो ओके okay, तो अब थोड़ा इसको देखते हैं वर्डिंग्स पर हम ग्रिप लाएंगे धीरे धीरे अब देखो क्या होता है ओके okay, यहाँ पे ध्यान से सुनना अब भाई साहब मैं एक बात कह दूं बहुत ज़्यादा प्रोसीजर के डिटेल में नहीं जाना है ब्रॉड सेंस में ये प्रोसीजर समझ लो सो दैट हमारे हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए आसानी होगी ओके okay, अब प्रोसीजर को ज़्यादा ड्रिल मत करना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पर जहां जो चीज़ जरूरी है मैं सारी चीज़ें आपको खुद होकर ही बता दूंगा ठीक है मैं सेक्शन तो बाद में लेने वाला हूं सबसे पहले आपको एक एनिमेशन के थ्रू पूरा प्रोसीजर समझा देता हूं ठीक है हाँ कस्टम्स का मार्क्स और लोकेशन अगर 50-60 मार्क होता तो मैं और थोड़ा डेप्थ में चले जाता पर अकॉर्डिंग टू मार्क्स और लोकेशन प्रोसीजर ब्रॉड सेंस में समझो जहाँ डिटेल रिक्वायर्ड है वहां मैं बता ही दूंगा और उसके बेस पे हम सेक्शन समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो इम्पोर्ट प्रोसीजर थोड़ी देखते हैं जैसे आपको एक बात तो मैं बहुत क्लियर कर चुका हूं कि जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होगा गुड्स आर सेड टू बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया नो डाउट केस लॉ ये कहती है सॉरी केस लॉ ये कहती है कि इंपोर्टेशन कमेंस व्हेन इट क्रॉसेज द टेरिटोरियल वाटर कंटिन्यू एंड कंप्लीटेड व्हेन गुड्स बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री और टैक्सेबल इवेंट तब आएगा जब आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे चलिए प्रोसीजर को और डिटेल में देख लेते हैं समझ लो आपका गुड्स जो है यूएस से आ रहा है यूएस से आपका जो सप्लायर है चाइना ले लो यूएस ले लो जो भी है आपका जो सप्लायर है वो सप्लायर यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है या चाइना से एक्सपोर्ट कर रहा है वो मोड यूज कर रहा है कंटेनर है कार्गो है वो मोड यूज कर रहा है एयरक्राफ्ट या वो मोड यूज कर रहा है शिप अगर वो एयरक्राफ्ट से अपना गुड्स भेज रहा है आप इम्पोर्टर हो आप इंडिया में हो और वो आपका सप्लायर है और वो गुड्स एक्सपोर्ट करने वाला है अब वो अगर आपका गुड्स एयरक्राफ्ट से भेजता है तो वो एयरलाइन कंपनी को ये क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है ये कैरियर है ओके ये कैरियर ऑफ द गुड्स है सॉरी करियर नहीं कैरियर कैरियर ऑफ़ द गुड्स है तो ये जो ट्रांसपोर्टर है इनको जब गुड्स वो वहाँ से हैंड करेगा तो वहाँ से हैंड करने का ओके okay, जैसे गुड्स ओके okay, ये ट्रांसपोर्टर को कोडल किया ट्रांसपोर्टर अपना ट्रांसपोर्टर कॉपी देता है और एयरलाइन के लिए वो ट्रांसपोर्टर कॉपी को एयरवे बिल कहा जाता है ये लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं जब आप ट्रेन को देते हो तो ट्रेन वाले आपको आरआर देते हैं रेलवे रिसिप्ट देते हैं आरआर क्या होता है ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट होता है अगर आप ट्रक वाले को दे रहे हो तो एल मिलता है या बिल्टी मिलती है अरे जब भी आप सिंपली आप ट्रेवल वाले को भी दे रहे हो जो प्राइवेट ट्रेवलर्स है तो कुछ तो कॉपी लोगे ना उसके कि भाई मैंने गुड्स हैंड किया तो ये गुड्स हैंड ओवर ट्रांसपोर्टर को जो दिया गया ट्रांसपोर्टर उसका डिटेल एयरवे बिल आपको बना के देता है नो no डाउट ये एक्सपोर्टर सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेगा कि कौन सा गुड्स है क्या डिस्क्रिप्शन है कहीं बम तो नहीं रखा हुआ है ओके okay, कहीं यहाँ पे आर्म्स और लमिनेशन तो नहीं है ओके okay, तो ट्रांसपोर्टर उससे सारी डिटेल्स लेता है कि भाई पूरा डिटेल्स बता क्या क्या गुड्स है डिटेल में बता वैल्यू क्या है इंश्योरेंस निकाला क्या जो भी है वो सारी डिटेल्स का एक बिल बनाता है जिसे एयरवे बिल कहते हैं अब देखो नए नए वर्ड्स आने की वजह से पुराने वर्ड्स में कन्फ्यूजन होने के पूरे चांसेस है जैसे ये बिल 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 इतने बार बिल 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 आ जाता है बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल ओके एक्सपोर्ट बिल या, यानी बिल ऑफ एक्सपोर्ट अब एयरवे बिल पर भाई साहब अब यहाँ पे आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है लिख के जरूर देखना कि बिल ऑफ एंट्री क्या है कौन देता है ओके शिपिंग बिल क्या है कौन देता है ये आपको करना पड़ेगा ओके okay, मैं मैं स्पून फिडिंग नहीं करूँगा कि हर चीज़ बार बार घोल घोल के घोल घोल के क्लास में ओके रिवीजन होगी पर मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी ओके okay, तो जहाँ तक देखा जाए एयरवे बिल कौन किसको देता है एयरवे बिल ट्रांसपोर्टर कॉपी है जो ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंडल करने के बाद वो अपनी ट्रांसपोर्टर कॉपी एयरवे बिल देगा ठीक है एयरवे बिल देगा दूसरा यहाँ पे ओके अगर आप जो गुड्स है ये ये जो सप्लायर है बॉम्बे भेजना चाहता है मुंबई भेजना चाहता है अगर ये वेसल को हैंड कर रहा है तो वेसल की ट्रांसपोर्ट कॉपी का नाम होता है बिल ऑफ लैडिंग आई रिपीट वेसल की ट्रांसपोर्ट कॉपी का नाम होता है बिल ऑफ लैडिंग अगर ट्रेन से जा रहा है बांग्लादेश से आ रहा है पाकिस्तान से आ रहा है भूटान से नेपाल से आ रहा है ट्रेन से आ रहा है तो फिर रेलवे रिसिप्ट होती है ट्रक से आ रहा है तो बिल्टी होती है बिल्टी यानी फ्रेट नोट ठीक है तो हर ट्रांसपोर्टर की अपनी एक कॉपी होती है जिसका कुछ नाम होता है ये एयरवे बिल और बिल ऑफ लैडिंग जो ट्रांसपोर्टर ने गुड्स हैंड करने के बाद समझ लो मैं पर्सन इन चार्ज है मैंने अपने शिप में गुड्स हैंड कर लिया फिर मैं इसकी एक कॉपी बना के दूंगा चलो आपका समझ लो ये देखो समझ लो ये आपका गुड्स आया मैंने कॉपी बना लिया डिटेल में कौन कौन सा है और मैंने ये हैंड ओवर कर दी चलो आपका गुड्स मुझे मिल गया इसकी एक कॉपी ओके इसको दो कॉपी दे दिया एक कॉपी मेरे पास है ओके कि, कि आपका गुड्स मैंने मेरे कन्वेंस पे ले लिया ओके चलो एक बार मेरे साथ रिवाइज़ करो वेसल के, के केस में क्या बोला जाता है बिल ऑफ लैडिंग और एयरक्राफ्ट के, के केस में क्या बोला जाता है एयरवे बिल कोई मुझे बता सकता है बिल ऑफ लैंडिंग वर्ड इसके पहले कहाँ पड़ा था देखता हूँ आपका आई क्या है ओके okay, मेरे साथ तीन घंटे बैठने का आई क्यू क्या है देखता हूं कोई बता सकता है बिल ऑफ लैडिंग वर्ड कहाँ पढ़ा था इसके पहले नहीं बता सकता वेरी गुड वेरी गुड ओके हमने पढ़ा था बिल ऑफ एंट्री में बिल ऑफ एंट्री में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है बिल ऑफ़ एंट्री जो इम्पोर्टर देता है सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट होता है ओके okay, तो जहाँ तक देखा जाए बिल ऑफ एंट्री जब इम्पोर्टर फाइल करेगा हो सकता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ जो स्टूडेंट की लिंक नहीं है या जो स्टूडेंट मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कन्फ्यूजन के चांसेस है पर कन्फ्यूजन होता है तो भी डरना मत मैं रिवाइज करवा दूंगा ठीक है तो यहाँ पे <coughs> जब इंडिया में मुंबई पे इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री देगा तो उसमें इसकी डिटेल्स देनी पड़ती है एयरवे बिल और बिल ऑफ लैडिंग की ओके तो ऐसे केस में यहां पे ट्रांसपोर्टर अपनी कॉपी दे देगा एयरवे बिल और बिल ऑफ लैडिंग ठीक है चलो गुड्स मुंबई के लिए जाने वाले हैं, तो गुड्स लोड हो गए यहाँ से मुंबई आने वाले हैं ओके यूएसए लोड हो गए लेकिन जब एयरक्राफ्ट और शिप यहाँ से निकलती है तो कार्गो तो लोड कर लिया <coughs> लेकिन उसके साथ साथ ये जो है सॉरी 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 हा शिप निकल गई बिना कुछ किए ओके उसके साथ साथ अब ये लॉन्ग जर्नी है यूएस से शिप आ रही है कम से कम डेढ़ महीना लेगी यार जर्नी में तो इसमें स्टोर्स भी लोड हो जाते हैं सुनना मेरी बात क्योंकि जर्नी में स्टोर्स भी लगेंगे देखो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी अच्छा स्टोर स्टोर्स गुड्स गुड्स पढ़ा था हाँ ओके तो इसमें स्टोर भी लोड हो जाते हैं ठीक है स्टोर्स लोड हो जाते हैं कुरियर हो गए तो कुरियर के पैकेज भी लोड हो जाते हैं पैसेंजर और क्रू हो गए तो उनकी बैगेज भी लोड हो जाती है ओके okay, तो सब लोड हो गया सब लोड होने के बाद गुड्स वहाँ से निकल जाएगा अब आपका एक सवाल होगा कि सर वहाँ पे कस्टम्स क्या फॉर्मेलिटी है भाई साहब उनके कंट्री में क्या हमको क्या लेना देना ओके okay, अपने कंट्री का समझ लो उतना ही बहुत है ओके okay, उतना ही बहुत है आपको हाँ नो डाउट वहाँ की कस्टम क्लियरेंस करने पड़ते हैं क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो वहाँ देना पड़ेगा पर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है ओके okay, मैं सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ मुझे तो इंडियन टेरिटरी में आने के बाद मेन रोल प्ले हो जाएगा मेरा ओके okay, ठीक है तो फालतू डेप पर मत जाना कि सर वहाँ क्या होता होगा कैसे क्लियरेंस होता होगा बता ही दो इतना टाइम भी है क्या और इतने मार्क्स भी नहीं है आपको ठीक है <laughs> और हमारे लिए कोई काम का भी नहीं है कोई क्लाइंट भी नहीं आएगा वहाँ की कंट्री में क्या करना है चलिए तो जहाँ तक देखा जाए अब मुंबई वहाँ से कार्गो जो थे वो लोड हो गए उसके बाद में बैगेज होगी तो वो लोड हो गई पोस्ट आर्टिकल लोड हो गए स्टोर्स लोड हो गया कुरियर हो गए तो वो भी लोड हो गए ठीक है अब वो होने के बाद शिव वहाँ से निकल जाएगी ओके वहाँ के ऑर्डर ऑर्डर ले लिया और शिव वहाँ से निकल के ए या एट्रा वहाँ से निकल गया लेकिन अब देखो क्या है जरूर ऐसा थोड़ी जरूरी है कि शिव वहाँ से निकला तो मुंबई ही आएगा अब बीच में कहीं नहीं रुकेगा अरे वो तो ट्रांसपोर्टर है यार वो अपना बिजनेस कर रहा है वो तो बहुत सारे इन बिटवीन कॉल लेगा ओके okay, जैसे आते आते वो अफ्रीका रुक गया okay, अफ, अफ्रीका रुक गया क्योंकि उसका एक कॉल अफ्रीका में भी था अभी तक इंडिया नहीं आया अफ्रीका रुक गया तो अफ्रीका में यस कुछ गुड्स और लोड हुए पर वो जो गुड्स लोड हुए अफ्रीका में वो श्रीलंका के लिए लोड हुआ यानी वो मुंबई पोर्ट के लिए नहीं श्रीलंका मतलब मतलब एक मैसेज आ गया कि ये शिप मुंबई पर एक कॉल लेगी और उसके बाद में श्रीलंका जाएगी ओके okay, उसके बाद में श्रीलंका जाएगी अब यहां आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये शिप जब इंडियन टेरिटरी में आएगी या एयरक्राफ्ट इंडियन टेरिटरी में आएगा या ट्रेन इंडियन टेरिटरी में आएगा तो कस्टम्स के भाषा में ओके okay, वो शिप में ये जो श्रीलंका के गुड्स हो गए क्योंकि वो तो इंडिया अनलोड होने वाले नहीं है वो तो श्रीलंका अनलोड होने वाले या कोई भी कंट्री में अनलोड होने वाले हो तो अब ये गुड्स को कस्टम्स में जब वो इंडियन टेरिटरी में आएगा तो उसको ट्रांजिट गुड्स कहा जाएगा बोलो मेरे साथ उस ये गुड्स को क्या बोला जाएगा ये गुड्स को क्या बोला जाएगा ट्रांजिट गुड्स बोला जाएगा फिर से कह दूं मैं मेहनत कर रहा हूं एनिमेशन से पढ़ा रहा हूं सब कुछ पढ़ा रहा हूं ठीक है हनुमान तो बना रहा हूं पर कोई आके आपको ये कर देगा हाँ वो सिर्फ इतना बोलेगा ट्रांजिट गुड्स होते हैं आपको इतना समझा हुआ है तब तो वो ट्रांजिट गुड्स आपको एक सेकंड में समझ जाता है ओके तो जो भी है लेकिन मैं ही अनुमान बनाऊंगा और मैं ही उड़ाना सिखाऊंगा ये मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि आपके मेंटेलिटी पे मेरे को बम्बारिंग करना है आपकी बड़ी अजीब मेंटेलिटी है ओके सर जहाँ तक देखा जाए इस गुड्स को जब वो इंडियन टेरिटरी में आएगा तो क्या बोला जाता है बोलो क्या बोला जाता है ट्रांजिट गुड्स क्यों क्योंकि ये आगे बढ़ने वाला है तो अगर मैं ट्रांजिट गुड्स का डेफिनेशन बनाऊँ तो ट्रांजिट गुड्स मीन्स द गुड्स विच आर नॉट गोइंग टू बी अनलोड इन इंडिया सॉरी विच आर नॉट गोइंग टू बी अनलोड एट पोर्ट विच इज रिमेंस इन अ कन्वेंस आई रिपीट द वर्ड एक वर्ड मेरे साथ रिपीट करो विच इज रिमेंस इन अ कन्वेंस कन्वेंस में भी वेसल कन्वेंस में भी एयरक्राफ्ट कन्वेंस में भी व्हीकल जो आगे कंटिन्यू रहेगा क्लियर अगर समझा होगा तो प्लीज ओके टी टाइप करो ओके okay, तो ये गुड्स जो लोड हुआ श्रीलंका के लिए अभी तक तो, तो शिप इंडिया में आने का बाकी है पर जो भी कंट्री से लोड हुआ ये इंडिया के लिए ट्रांजिट गुड्स माना जाएगा डन चलो अब ये शिप जो है आगे बढ़ाते ये जो शिप आगे बढ़ गई आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ओके आगे बढ़ गई अब ये शिप जो आई केनिया में आई वहाँ पे भी कॉल लिया गया अब ये जो वहाँ कॉल लिया गया तो वहाँ पे आप आ, एनिमेशन की तरफ देखो मैं जहां जहां जरूरत है आप, मैं यहाँ पे कैमरे में आऊँगा तो यहां से भी गुड्स लोड हुआ और यहां से जो गुड्स लोड हुआ वो कोलकाता का गुड्स लोड हुआ वो कोलकाता का गुड्स लोड हुआ अब आपको मैं ये बता दूं कि यह शिप कोलकाता नहीं जाने वाला है इसका एक ही कॉल इंडिया में है वो है मुंबई पे। ओके okay, और यह कोलकाता नहीं जाने वाला है अरे सर अगर यह शिप कोलकाता नहीं जाने वाला है अब मैं बार बार शिफ्ट वर्ड यूज करूंगा आपको सेम कंसेप्ट एयरक्राफ्ट को लगाना है सेम कन्सेप्ट व्हीकल को लगाना है मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि तीनों मोड बार बार यूज करूं और तीनों मोड बार बार यूज करूं मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के लिए मैंने तीन बार टाइम वेस्ट कर दिया आपका ओके मैं टाइम सेव भी करना चाहता हूँ इफेक्टिवली पढ़ाना भी चाहता हूँ और डेप्थ को भी पकड़ना चाहता हूं इसलिए ओके आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका कॉन्शियस उतना बढ़ाओ ओके okay. बच्चों जैसा मत करना प्लीज ठीक है जहां जो चीज की जरूरत होगी कि कहां डिफ्रेंशिएट करना है क्या करना है मैं कर दूंगा खुद होके ठीक है तो अब जहां तक और कॉन्सेप्ट मत अटकना स्पेशली कस्टम में तो मत अटकना कस्टम में कॉन्सेप्ट को बढ़ते रहने का क्योंकि जब जब जितनी बार आप बार बार पढ़ोगे उतना आपको समझ में आएगा और कस्टम्स के मार्क्स एलोकेशन के हिसाब से क्वेश्चंस तो हम डिस्कस करेंगे और यहां पे आउट ऑफ ओके okay, जो भी अलोकेटेड मार्क्स है आपको उसमें से तो छः सात मार्क्स का वैल्यूएशन पे आ जाता है इसलिए फ्लो को आगे बढ़ते रहने डोंट स्टक वी डोंट स्टक एनी फ्लो का आगे बढ़ने तो आपके मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी ठीक है तो अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं कि ये शिप जब कोलकाता नहीं रुकने वाली है तो ये इस बंदे ने कोलकाता का कंटेनर लिए क्यों कार्गो लिए क्यों क्योंकि देखो कोई भी ट्रांसपोर्टर अपना बिजनेस नहीं छोड़ता है भाई उसका बिजनेस ही है ट्रांसपोर्ट करना फ्रेट लेना पैसा लेना तो ये क्या करेगा ये एक कॉल इंडिया लेने वाला है तो ये क्या करेगा ये गुड्स मुंबई पोर्ट पे अनलोड कर देगा ओके okay, मुंबई पोर्ट्स पे अनलोड कर देगा और इसी शिपिंग कंपनी का या किसी के अदर शिपिंग कंपनी के साथ एसोसिएशन करके मुंबई से अनादर शिप में सुनिएगा मुंबई से अनादर शिप में कोलकाता भेज देगा एटलीस्ट मुंबई तो लेके आया फिर इंडिया में हम दूसरे तो इन सिंपल वर्ड जहां तक देखा जाए ओके ये गुड्स अनलोड होने वाले हैं, मुंबई पे अनलोड होने वाले हैं, पर मुंबई में क्लियर होने वाले नहीं है वो दूसरे कन्वेंस में दूसरे कन्वेंस में शिफ्ट हो जाएंगे कोलकाता और वो क्लियर हो गए कोलकाता में ठीक है तो मुंबई के लिए ध्यान सुनना मुंबई के लिए ये ये गुड्स

तो ट्रांजिट और ट्रांसशिप दोनों में फर्क है तो दोनों अगर समझोगे तो टी टी टाइप करो ओके मुझे आपसे रिस्पॉन्स चाहिए प्रोसीजर में जो भी रिस्पॉन्स नहीं देगा देखो फिर मैं मेरे वर्ड बोल रहे जो भी अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं देगा तो अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा पर इसके आगे नहीं दिया तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम में फेल हो जाओगे <laughs> कैसे डर गए ओके तो मुझे रिस्पांस दो स्पेशली जो यहाँ पे कनेक्टेड है ठीक तो यहाँ पे ओके एक होता है ट्रांजिट और दूसरा होता है ट्रांसशिप चलो डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं फिर ये और दूसरे कंट्री में रुका दूसरे कंट्री में रुकने के बाद यहां इसमें और गुड्स इन्होंने लोड कर लिया जापान अब आपको ये बता कि ये शिप जापान भी जाने वाली नहीं है जापान नहीं भी जाने वाली होगी तो भी ये अपना बिजनेस नहीं रोकते हैं ये शिपिंग कंपनी ने क्या किया गुड्स ले ले भाई इंडिया में इंडिया से एक उनका ही शिप जापान जाने वाला है तो गुड्स अभी ले लेते हैं और दूसरे शिप में शिप कर देंगे तो ये भी गुड्स जो है ट्रांसशिप बोला जाएगा तो ट्रांसशिप और ट्रांजिट इसमें दो टाइप के गुड्स हो सकते हैं हो सकता है कि ट्रांजिट गुड्स में मुंबई के लिए मुंबई के लिए ओके वो ट्रांजिट गुड्स है क्योंकि कन्वेंस में सेम रहेंगे फिर वो ट्रांजिट इंडिया में ही हो या इंडिया के बाहर हो और ट्रांसशिप भी ट्रांसशिप गुड्स भी हो सकता है इंडिया के हो फॉर मुंबई पोर्ट या इंडिया के बाहर हो तो ट्रांसिट ट्रांसशिप गुड्स दो दोनों के हो सकते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया ओके विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ओके तो अब ये कन्वेंस अपने साथ कन्वेंस कन्वेंस बोलो तो ब्रॉड कॉन्शियस रखना वे, वे, एयरक्राफ्ट वेसल व्हीकल जो भी है ये जो कन्वेंस है कन्वेंस अपने साथ वो गुड्स लेके आ रहा है मुंबई पोर्ट में जो वहां क्लियर होने वाला है वो गुड्स लेके आ रहा है जो ट्रांजिट होने वाला है वो गुड्स लेके आ रहा है जो ट्रांसशिप होने वाला है बैगेज लेके आ रहा है स्टोर लेके आ रहा है पोस्ट आर्टिकल लेके आ रहा है कुरियर लेके आ रहा है ये सारा गुड्स वो लेके आ रहा है चलो अब है। उसको इंडिया बुला लेते हैं उसको इंडिया बुला लेते हैं आ गया और यहाँ बेटा इसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया अब टेरिटोरियल वाटर सर कैसे कैसे दिख तो नहीं रहा टेरिटोरियल वाटर नालायक को टेरेटोरल वाटर इनविजिबल लाइन है नेविगेशन के थ्रू कंट्रोल होती है दिखती नहीं है ओके तो अब आपको एज्यूम कर लो कि इसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया ओके जैसे ही टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया ओके तो यहाँ पे इम्पोटेशन कमेंस इम्पोर्टेशन कमेंस चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है ये मैंने आपको कहा था टर्टल वाटर क्रॉस हो गया अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है <coughs> hmm. अब लॉ क्या कहता है देखो यहां पे ये यह इंपॉर्टेंट बात है एक कंट्रोल रखा गया है और वो कंट्रोल ये है कि जब भी कोई कन्वेंस इंडिया में आने वाला हो तो आने के पहले एक एक लाइन हिंदी में अच्छे से सुन लो हिंदी में अच्छे से सुन लो नो <clears> डाउट <throat> no जब भी कोई कन्वेंस इंडिया में आ रहा है तो सेक्शन 29 हमने पढ़ा और सेक्शन 29 नाइन कहता है कि उसको जो लैंडिंग करनी पड़ेगी उसका अराइवल कॉल जो होगा वो कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट पे ही होगा वो तो ठीक है लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट पर्सन इन चार्ज पे सुनना पर्सन इन चार्ज पे दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है पर्सन इन चार्ज पे ये रिक्वायरमेंट है अभी तक इंपोर्टर पिक्चर में नहीं आया कि वो कन्वेंस कन्वेंस के होने के के होने पहले, पहले, यानी पोर्ट पे आने के पहले, वो अपने कन्वेंस में क्या क्या ला रहा है वो सारी डिटेल्स कन्वेंस की डिटेल बोलो तीन बार मेरे साथ तीन बार बोलो मेरे साथ कन्वेंस की डिटेल कन्वेंस की डिटेल कन्वेंस की डिटेल उसमें सारे इंपोर्टर के कार्गो कोई एक नहीं कन्वेंस में जितने भी इंपोर्टर्स ने कार्गो लाएंगे उनकी सारी डिटेल्स ट्रांजिट कार्गो की डिटेल्स ट्रांसशिप कार्गो की डिटेल्स बैगेज की डिटेल्स स्टोर्स की डिटेल्स कुरियर की डिटेल्स जो जो भी इस कन्वेंस में होगा उसकी सारी डिटेल्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसको कहा जाता है मैनिफेस्ट बोलो मेरे साथ पर्सन इंचार्ज को बोलो पर्सन इंचार्ज को अपने कन्वेंस में बोलो अपने कन्वेंस में जो भी गुड्स लाए हैं गुड्स इंक्लूड वेसल बैग करेंसी इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इट इंक्लूड ऑफल ट्रांसशिप जो भी है जो भी गुड्स अपने कन्वेंस में लाया है बोलो जो भी गुड्स अपने कन्वेंस में लाया है उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है बोलो उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है और उसको कहा जाता है मैनिफेस्ट उसको कहा जाता है मैनिफेस्ट क्लियर वो पूरा डिटेल्स वो मैनिफेस्ट अभी आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है अराइव होने के पहले बिफोर अराइवल प्रेजेंट करनी पड़ती है बोलो बिफोर अराइवल प्रेजेंट करनी पड़ती है और वो जो बिफोर अराइवल प्रेजेंट करनी पड़ती है पर्सन इन चार्ज को जिम्मेदारी पर्सन इन चार्ज की है वो प्रेजेंट करने के बाद ही शिप को बर्थ प्लेस दिया जाता है बर्थ मतलब बर्थिंग प्लेस बर्थिंग प्लेस मतलब जहाँ शिप आएगी अनलोडिंग के लिए जहाँ शिप आएगी अनलोडिंग के लिए तो ये मैनिफेस्ट देना प्रायर मैनिफेस्ट देना बहुत जरूरी है तो अगर आपने अगर आपने वेसल से लाया होगा या एयरक्राफ्ट से लाया होगा तो वेसल एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड होने के पहले या वेसल अराइव होने के पहले ये मैनिफेस्ट सबमिट हो जाना चाहिए और व्हीकल से आया होगा तो देखो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट ये डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है ओके okay, ये मैनिफेस्ट दे रहा है वो ओके okay, इमेजिन करो मैं यहां हूँ आपके डाउट्स क्वेश्चन सब बाद में डाउट क्वेश्चन सब बाद में ओके okay, सब बाद में सिर्फ पहले प्रोसेस समझ लो यहां पे मैं पर्सन इन चार्ज हूं ओके सर मैंने मैनिफेस्ट दे रहा हूं डिक्लेरेशन लिस्ट कार्गो लिस्ट ये ऑनलाइन होता है मैं सिर्फ फिल करवा रहा हो कैसा होता है ये सब अब ऑनलाइन होते हैं आजकल कार्गो लिस्ट ट्रांजिट गुड्स लिस्ट ट्रांसशिप गुड्स लिस्ट उसके बाद में स्टोर लिस्ट बैगेज लिस्ट उसके बाद में जितना भी जिसने भी लाया होगा पूरा डिटेल बैगेज लिस्ट ओके उसके बाद में आर्म्स और रामिनेशन कुछ अगर होगा जो परमिशन है लाइसेंस है उसकी लिस्ट गोल्ड सिल्वर हो गई तो उसकी स्पेशल लिस्ट ये सब बंच होता है पूरा मैनिफेस्ट का अब बंच पहले मैन्यूअल होता था अब यहाँ पे ऑनलाइन हो जाता है तो ऐसे केस में ओके बिफोर अराइवल मैनिफेस्ट देना पड़ेगा और ये बिफोर अराइवल है देना पड़ता है इसलिए इसका नाम अराइवल मैनिफेस्ट होता है या इंपोर्ट मैनिफेस्ट होता है या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट होता है पर ये मैनिफेस्ट होता है उसके आगे कोई भी वर्ड डाल दो अराइवल डाल दो इंपोर्ट डाल दो या इंपोर्ट जनरल डाल दो ये मैनिफेस्ट देना पड़ता है कि सर ये गुड्स में ला रहा हूं ओके okay, ये देख लो आप चेक कर लो ओके okay, ये मैं ला रहा हूं और मुझे मिलाने के बाद यहां बर्थ दो सर मेरी शिप यहां आएगी फिर गुड्स का अनलोडिंग होगा ओके या एयरक्राफ्ट जो है ओके अनलोडिंग होगा वेसल और के, के केस में इसको बोला जाता है मैनिफेस्ट और व्हीकल के, के केस में अगर ट्रेन से आ रहा होगा तो इसको कहा जाता है रिपोर्ट दोनों भी रिपोर्ट ही है दोनों रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमारा कन्वेंस आ रहा है हमारा कन्वेंस आ रहा है दोनों भी रिपोर्ट है सिर्फ नाम अलग अलग है ओके अब वो ये नाम आपको लर्न करना पड़ेगा वेसल और एयरक्राफ्ट होगा तो मैनिफेस वर्ड यूज करो और व्हीकल वर्ड होगा व्हीकल होगा तो रिपोर्ट वर्ड, वर्ड, वर्ड यूज करो ओके okay, बट एक बात आपसे पूछता हूं थोड़ा स्लो जाता हूं मुझे बताओ ये पहली बात तो मुझे टाइप करके बताओ कि मैनिफेस्ट होता क्या है किसकी डिटेल्स होती है ये मैनिफेस्ट किसकी डिटेल्स होती है पहला क्वेश्चन मैनिफेस्ट किसकी डिटेल्स होती है पहला क्वेश्चन पहली बात अगर आपके वर्डिंग्स पे अंडरस्टैंडिंग है आपके अगर आपने लिखा गुड्स की डिटेल्स उसको थोड़ा करेक्ट करो लाए हुए सारे गुड्स की डिटेल अ कन्वेंस लाए हुए सारे गुड्स की डिटेल इन अ कन्वेंस आ ये वर्ड सही है आपका कन्वेंस में लाए हुए सारे गुड्स की डिटेल्स वो होता है मैनिफेस्ट ओके okay, वो होता है मैनिफेस्ट दूसरा ये मैनिफेस्ट कौन किसको देता है मैनिफेस्ट या रिपोर्ट जो भी हो ये मैनिफेस्ट कौन किसको देता है बोलो मैनिफेस्ट कौन किसको देता है बताओ बिल्कुल बिल्कुल सही यह मैनिफेस्ट पीआईसी देता है पीआईसी मतलब पर्सन इन चार्ज वेसल का होगा तो मास्टर एयरक्राफ्ट का होगा तो कमांडर पायलट ट्रेन का होगा तो यहां पे गार्ड या कमांडर जो भी होगा सॉरी कंडक्टर और गार्ड तो ऐसे केस में मैनिफेस्ट ये या ये रिपोर्ट ग, ट्रक होगा तो ड्राइवर एनिमल होगा तो पर्सन इंचार्ज जो भी है वो डिटेल्स देगा कि कौन सा गुड्स लाया उसके कन्वेंस में ओके तो पीआईसी ऑफिसर को देगा कस्टम डिपार्टमेंट में सबमिट करेगा तीसरा क्वेश्चन ये मैनिफेस्ट कब देना पड़ता है अराइव होने के बाद या बिफोर अराइवल कब देना पड़ता है अराइव होने के बाद या बिफोर अराइवल वेरी गुड ये बिफोर अराइवल अब इस पर आपके आगे के डाउट होने चाहिए सर अगर ये बिफोर अराइवल देना पड़ता है तो सर पर्सन इन चार्ज तो कन्वेंस में बैठा है फ्लाइट में बैठा है पायलट ऊपर और वो ऊपर बैठा हुआ है अब वो अराइवल के पहले देगा तो कैसे देगा सर ऊपर से ऐसा थोड़ी डालेगा ओ ऑफिसर लो भाई ओके ये ऊपर से डाल दिया उसने मैनिफेस्ट इमेजनरी ओके वो पहले ऊपर बैठा हुआ है उसको अराइव होना है अराइव के पहले ओके उसने ऑफिसर को दे ऑफिसर ये ले ओके मैनिफेस्ट ले नीचे से उठा ले ऐसा थोड़ी पॉसिबल है ऐसा थोड़ी पॉसिबल है या फिर ओके ये समझ लो भेसल जो है अभी टेरिटल वाटर के उधर है या हाई सी पे है या जहां पे भी होगा और वहां से कबूतर जा 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 मैनिफेस्ट लेके जा पहले प्यार का पहला चिट्ठी ऑफिसर को दे के आ ओके okay, तो ऐसा थोड़ी होगा <laughs> तो ये, फिर मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल जाएगा कैसे बिफोर <laughs> अराइवल जाएगा कैसे तो बेटा जनरली क्या होता है अब ऑनलाइन का जमाना है ओके okay, जैसे जैसे गुड्स लोड होते हैं यूएस से लोड हुआ साउथ अफ्रीका से लोड हुआ वो सारा डेटा ऑनलाइन अपडेट करता है शिपिंग कंपनी डेटा अब तो आप कुरियर भी ट्रैक कर सकते हो यार ओके okay, आप आ, कुरियर कंपनी से आ, ब्लू स्टार से अगर आप ला रहे हो तो वो तो कौन से कहां वो सब डेटा अपडेट होता है कौन से प्लेस पे कहां पे कहां से लोड हुआ कहाँ आ रहा है सब डेटा अपडेट होता है तो वैसा ये फाइल होता है ऑनलाइन क्या होता है कि जो शिपिंग कंपनी है एयरलाइन कंपनी है जैसे जैसे गुड्स लोड होते हैं जहां से इनका डेटा अपडेट होते जाता है और अब जब यहाँ जो शिपिंग कंपनी और एयरलाइन कंपनी के यहाँ ऑफिस होते हैं तो शिप आने के पहले एयरक्राफ्ट आने के पहले इनको पता होता है कि कौन से गुड्स आ रहे हैं क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन अपडेट हो गया है तो कौन से गुड्स आने वाले सब पता होता है तो अब ये जो है शिपिंग कंपनी के ऑफिस से या एयरलाइन कंपनी के ऑफिस से ऑन द बीआफ ऑफ अ पर्सन इन चार्ज ये सबमिट हो जाता है ऑनलाइन या फिर अगर ये शिपिंग कंपनी या एयरलाइन कंपनी का ऑफिस इंडिया में नहीं होगा क्योंकि फॉरन शिपिंग कंपनी है एयरलाइन कंपनी और इंडिया में ऑफिस नहीं होगा अब तो रेयर है ऐसा और एग्जाम्पल ले रहा नहीं होगा तो फिर वो यहाँ के कस्टम हाउस एजेंट्स जो ब्रोकर होते कस्टम ब्रोकर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कि हमारे ब्याह पे आप मैनिफेस्ट डाल दो ओके okay, तो ये जो है पहले आना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे कस्टम ऑफिसर को आ, पहले से पता होना चाहिए कि ये शिप में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है सो so दैट कि नहीं तो कोई स्मगलिंग ना हो नहीं तो लोग क्या करेंगे पता है क्या जैसे इंडियन टेरिटरी में आगे आ स्मगलिंग कर लेंगे एंड फिर मैनिफेस्ट देंगे क्योंकि हमने इतना ही चलाया ऐसा नहीं तुम्हारे टेरिटरी में आने के पहले हमें पता होना चाहिए कि शिप में क्या क्या आने वाला है सो so दैट कि अगर हमारा ऑफिसर कभी चेक करे तो वो मैच होना चाहिए मैनिफेस्ट ठीक है ठीक है तो ये था मैनिफेस्ट एंड रिपोर्ट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा अब आते हैं यहां पर ऑफिसर को देगा व्हीकल केस में रिपोर्ट जाएगी पर्सन इन चार्ज देगा और ऑफिसर को देगा चलो अब पढ़ लेते हो फ़ड़। फिर आपके डाउट्स लेता हूं पहले पढ़ने दो मेरे को मुझे पढ़ने दो फिर आपके डाउट लेता हूँ ठीक है अब देखो क्या कहते हैं इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट अंडरलाइन अंडरलाइन करते जाओ इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन फाइल्ड बाय कैरियर ऑफ द गुड्स अबाउट द डिटेल्स ऑफ अराइवल ऑफ द गुड्स एट सच डेस्टिनेशन और कस्टम लोकेशन कैरियर में आप लिख दो पी आई सी या पूरा लिख दो पर्सन इन चार्ज ओके ट्रांसपोर्टर कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर डिटेल्स ऑफ अराइवल ऑफ गुड्स एट सच डेस्टिनेशन कस्टम लोकेशन जो भी है ठीक है सबमिटेड बाय पी आई सी ये पी आई सी देगा पर्सन इंचार्ज ऑफ़ द कन्वेंस और पर्सन स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट लाइक कस्टम ब्रोकर अगर पीआईसी देगा या पी के जगह पे कस्टम ब्रोकर भी दे सकता है ओके okay. तो वो भी अगर उनका ऑफिस नहीं होगा तो ऑनलाइन तो वो ब्रोकर भी दे सकता है नेक्स्ट टाइम लिमिट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम लिमिट क्या है देखो यहाँ पे तो टाइम लिमिट है अगर वेसल और एयरक्राफ्ट होगा तो इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट और अराइवल मैनिफेस्ट जो भी है वेसल और में केस में इंपोर्ट मैनिफेस्ट जाएगा जिसको शॉर्ट में आई भी कहते इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होगा और वेरी इंपोर्टेंट बिफोर अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट फाइल होगा ठीक है और व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट जाएगा इंपोर्ट रिपोर्ट वर्ड है मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों भी है दोनों भी देख सकते हो मैनुअल भी दे सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक भी देख सकते हो इम्पुट रिपोर्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ये एम में पूछा जाता है रिपोर्ट विद इन ट्वेल्व आवर्स ऑफ अराइवल भी दे सकते हो पहले भी दे सकते हो और विद इन ट्वेल्व आवर्स भी दे सकते हो ऑफ अराइवल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्ट और व्हीकल एंड ए मैनिफेस्ट और रिपोर्ट मैनिफेस्ट पहले ही आना चाहिए मैनिफेस्ट पहले ही आना चाहिए लेकिन व्हीकल का इंपोर्ट रिपोर्ट का टाइम है पहले भी दे सकते हो पर विद इन ट्वेल्व आवर्स ऑफ अरावल दे सकते हो और अगर आपने विद इन टाइम नहीं दिया इफ नॉट सबमिटेड विद इन टाइम विदाउट सफिशिएंट कॉज और आपके पास सफिशिएंट कॉज भी नहीं है पर्सन इन लाइबल टू पेनल्टी अप टू फिफ्टी थाउजेंड पचास हजार की पेनल्टी है ओके अगर आपने विद इन टाइम नहीं दिया इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और रिपोर्ट फाइल बिलेटेडलीप्टेडर ऑफिसर ऑन वैलिड जस्टिफाइड ग्राउंड हाँ लेकिन अगर ये टाइम में नहीं दे पाए और आप बाद में दे रहे हो तो ठीक है ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेगा पर ग्राउंड बताओ क्यों लेट दिया अगर ग्राउंड जस्टिफाइबल है तो ठीक है नहीं तो आपके ऊपर पचास हजार तक की पेनॉल्टी लगाई जा सकती है आपके ऊपर मतलब पर्सन इन चार्ज पे पचास हजार तक की पेनॉल्टी लगाई जा सकती है चलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या हम हमारे मैनिफेस्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो प्रॉपर uh, पीओ मतलब लिख देना प्रॉपर ऑफिसर पीओ मतलब प्रॉपर ऑफिसर इसके बाद जहां पे भी वर्ड पीओ आएगा मतलब प्रॉपर ऑफिसर जो भी वहां पे डेस्टिनेटेड ऑफिसर होगा परमिट इट टू बी अमेंडेड और सप्लीमेंटेड ए बी डी सैटिस्फाइड दैट इट इज

नेक्स्ट कंटेंट वो तो मैंने आपको बता दिया इट शुड बी डिलीवर्ड इन डुप्लीकेट कवर ऑल गुड्स के कवर ऑल गुड्स कैरिड इन अ कन्वेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इट हैज इन फोर पार्ट्स जनरल डिक्लेरेशन कार्गो डिकलरेशन स्टोर डिक्लेरेशन प्राइवेट प्रॉपर्टी पैसेंजर मैनीफेस्ट सब डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कार्गो लिस्ट इज कैटेगराइज इन मैनीफेस्ट रिपोर्ट इन टू फॉलोइंग शल डिलीवर्ड इन सेपरेट शिट कार्गो टू बी लैंडेड कौन से कार्गो लैंड होने वाले हैं कौन से कार्गो ट्रांसशिप होने वाले हैं कौन से कार्गो ओके अनकम्पनीड बैगेज हैं और बॉटम और रिटेंशन कार्गो मतलब ट्रांजिट कारगो कौन से कार्गो ट्रांजिट है वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी इफ कार्गो डिक इन कार्गो डिक्लेरेशन देर शुड बी सेपरेट मेंशन अबाउट आर्म्स एमिनेशन एक्सप्लोजिव नारकोटिक्स डेंजरस ड्रग्स गोल्ड सिल्वर मतलब अगर ये लाइने ये आपके शिप में आ रहा होगा क्योंकि इसके लाइसेंसेस है इंपोर्टर के पास इसके लाइसेंसेस है और ये आपके शिप में आ रहा होगा तो इसकी सेपरेट लिस्ट बना के देनी पड़ेगी इसकी सेपरेट लिस्ट बना के देनी पड़ेगी ये तो था कंटेंट ओके चलिए तो इस तरह से हमने सेक्शन यहाँ पे थर्टी कंप्लीट किया और वो था मैनिफेस्ट से रिलेटेड अब आ जाओ आप सेक्शन थर्टी ए स्पेशल पैसेंजर एंड क्रू मैनिफेस्ट इट इज डिटेल लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड क्रू ट्रेवलिंग इन अ कन्वेंस दो टाइप के मैनिफेस्ट देने पड़ते हैं दो टाइप के मैनिफेस्ट देने पड़ते हैं एक सेक्शन थर्टी में देने पड़ते और एक सेक्शन थर्टी ए में देने पड़ते हैं और एक सेक्शन थर्टी और सेक्शन थर्टी ए सेक्शन थर्टी में जो मैनिफेस्ट देना पड़ता है ये मोस्टली रिलेटेड टू कार्गो होता है कार्गो और गुड्स कार्गो गुड्स इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन जो जाती है कार्गो की जाती है या स्टोर की जाती है या फिर बैगेज की जाती है या पोस्ट की जाती है जो मतलब पूरा ध्यान गुड्स पे होता है और एक थर्टी ए में एक और मैनिफेस्ट देना पड़ता है जहाँ पे पैसेंजर्स की डिटेल्स होती है सारी पैसेंजर्स और क्रू की डिटेल्स होती है ओके okay, पैसेंजर कहाँ से बैठा ओके okay, फिर वो कहाँ ओके okay, फ्लाइट चेंज की फिर कहाँ ओके okay, तो पूरा फोकस पैसेंजर पे होता है और इनके पूरे पैसेंजर के रिकॉर्ड्स उसमें मेंटेन किए जाते हैं पैसेंजर सर ये थर्टी में पैसेंजर क्यों हमारा तो कस्टम जो है वो तो गुड्स पे आता है गुड्स पे आ जाता है तो फिर पैसेंजर की डिटेल्स क्यों ली जाती है क्योंकि क्या हुआ सेक्शन थर्टी ए ये दस साल पहले लाया गया था कि जो टेररिस्ट इंडिया में आ रहे थे या जो अनवांटेड लोग इंडिया में आ रहे थे या इंडिया से जा रहे थे तो उनकी डिटेल्स ट्रेस नहीं हो पाती थी ठीक है तो फिर कस्टम एक्ट में ये जिम्मेदारी कस्टम ऑफिसर पे डाल दी कि यार जो कन्वेंस गुड्स का डिटेल देता है उसी कन्वेंस में पैसेंजर होगे तो पैसेंजर का भी डिटेल्स ले लो उससे इससे हमें यह पता चलेगा कि कौन सा बंदा कहाँ उतर रहा है कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है यह डिटेल कस्टम ड्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें बाकी कुछ चीज़ों के लिए इसकी जरूरत पड़ती है इसलिए पैसेंजर लिस्ट जो है पैसेंजर मैनिफेस्ट भी देना पड़ता है ठीक है तो नेक्स्ट कौन सबमिट करेगा पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस दैट एंटर इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और पर्सन स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट मे बी ब्रोकर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अराइविंग पैसेंजर उसके सारे पैसेंजर के नेम रिकॉर्ड देने पड़ेंगे जो इंडिया में अराइव हो रहा है इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर इन सच मैनर एंड इन सच टाइम एस में प्रिस्क्राइब एंड पैसेंजर ऑफ क्रू मैनिफेस्ट इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल बिफोर अराइवल इन केस ऑफ व्हीकल अपॉन अराइवल ठीक है ये आपको उनकी प्रिस्क्राइब लिस्ट में देने पड़ेंगे वेसल होगा तो बिफोर देना पड़ेगा व्हीकल होगा तो अपॉन आप दे सकते हो और पैसेंजर नेम रिकॉर्ड्स मतलब क्या मीन्स रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय ऑपरेटर ऑफ एनी एक वेसल व्हीकल और फॉर जर्नी बुक बाय ऑन द बिहाफ पैसेंजर ठीक है अगर आपने नहीं दिया तो इस पे पेनोल्टी लग सकती है अप टू तो रुपीज क्या फिफ्टी थाउजेंड एग्जाम के हिसाब से प्रायोरिटी सी प्रायोरिटी सी मतलब ओके okay, ये नहीं भी पढ़ा तभी तो चलेगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर सेक्शन थर्टी प्रायोरिटी बी में रखना मैनिफेस्ट प्रायोरिटी बी में रखना ठीक है सेक्शन थर्टी चलो अब ले लेते हैं सेक्शन थर्टी वन ले लेते हैं सेक्शन थर्टी वन इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड फ्रॉम वेसल अंटिल एंट्री इनवर्ड इज ग्रांटेड एंट्री इनवर्ड अगर वहां जगह होगी या स्टिकी नोट्स होगी तो लिख लो वहां पे क्या लिखना है सर अगर एक्ट में वर्ड एंट्री होगा जस्ट एंट्री होगा मतलब बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल शिपिंग बिल बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल और एंट्री इनवर्ड होगा तो इसका मीनिंग अलग है इसका मीनिंग अलग है कभी अगर आपने इंडस्ट्रियल ऑडिट किया होगा फैक्ट्री वगैरह का तो एंट्री इनवर्ड रजिस्टर्ड एंट्री आउटवर्ड रजिस्टर्ड ये क्या होते हैं कोई बता पाएगा मैं वेट करता हूँ एक दो मिनट एंट्री इनवर्ड रजिस्टर्ड एंट्री आउटवर्ड रजिस्टर्ड ये क्या होता है यस कोई बोलेगा एंट्री इनवर्ड और एंट्री आउटवर्ड ये क्या होते हैं yes, कोई, है? कोई बताएगा एंट्री इनवर्ड रजिस्टर्ड और एंट्री आउटवर्ड रजिस्टर्ड ऑफ द गुड्स वेरी गुड ये एंट्री उस टाइप का ही वर्ड है ये एंट्री इन वर्ड ओके एंट्री इन वर्ड ओके एक तरह का जब हर पोर्ट पे गुड्स आता है गुड्स आता है जैसे आपने इंडस्ट्री में देखा होगा वेयरहाउस में गुड्स आता है फैक्ट्री में गुड्स आता है तो गुड्स आने का डिटेल्स ओके okay, वो उसका एंट्री इनवर्ड होता है और गुड्स जब जाता है गुड्स की मूवमेंट होती है यहाँ से जाता है तो आउटवर्ड वैसा यहां पे स्पेशली वेसल के केस में वेसल के केस में ये ये बॉक्स करना वेसल के केस में एक एंट्री इनवर्ड ऑर्डर होती है तो एंट्री इनवर्ड यहां पे एंट्री इनवर्ड का मतलब क्या इट इज एन ऑर्डर इट इज एन ऑर्डर बाय पीओ फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स ओके okay. दोनों बहुत ना दोनों एंट्री एंट्री मैच मत कर देना जस्ट एंट्री वर्ड है मतलब बिल ऑफ एंट्री शिपिंग बिल और एंट्री इनवर्ड वर्ड है तो फिर मीनिंग बदल गया उसका वो ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर अनलोडिंग ऑफ गुड्स ठीक है अब देखो एंट्री इनवर्ड क्या रहता है यहाँ पे टेक्स में पड़ता हो पहले पिक्चर से समझाता हूं ठीक है यहां पर यह समझ लो देखो <coughs> ये जो हमारी डॉक है बर्थिंग प्लेस है जो कमिश्नर ने अपॉइंट की है फॉर अनलोडिंग और ये लैंडिंग स्पेस है ठीक है अब यहां अराइव होने के पहले मुझे मैनिफेस्ट दे देना पड़ेगा और मैंने मैनिफेस्ट ऑनलाइन दे दिया और वो मैं जब मैं हाई सी में होगा तब भी दे सकता हूँ जब मैं टेरोटल वाटर में होगा तब भी दे सकता हूँ यहां आने के पहले मुझे अराइव कर दे देना है मैनिफेस्ट या रिपोर्ट मैंने वो दे दी अब समझ लो ये ऑफिसर ने मैनिफेस्ट दे दिया फिर शिप इंडिया में आ गई अब वो डॉक चाहती है वो बर्थ प्लेस चाहती है क्योंकि वो कहीं पे भी अनलोड नहीं कर सकती जहां कमिश्नर अपॉइंट करेगा ओके बर्थ प्लेस वहां वो अपना अनलोडिंग करेगी स्पेशली वेसल ओके वेसल अब ये पर्सन इन चार्ज वेट कर रहा है एंट्री इन वर्ड का कि भाई मुझे कि वहाँ बर्थ दो अनलोडिंग के लिए मैंने मैनिफेस्ट दे दिया है आपका मैनिफेस्ट दे दिया है मेरे कन्वेंस का मुझे बर्थ चाहिए फॉर अनलोडिंग अब हो सकता है अगर आपका पोर्ट बिजी हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वेसल क्यों में है फॉर अनलोडिंग तो इसको टाइम लग सकता है दो तीन दिन कि भाई तू रुक जा ओके तू रुक जा अभी दो तीन वेसल अनलोडिंग के लिए वहां पे खड़े उनका अनलोडिंग होने दे जैसे ही वहां स्पेस अवेलेबल हो जाती है और आपने अपना मैनिफेस्ट भी दे दिया दो बहुत कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपने अपना मैनिफेस्ट दे दिया रिपोर्ट दे दी पर हम रिपोर्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ वेसल के बारे में बात कर रहे हैं और ये एंट्री इनवर्ड ओनली वेसल को अप्लीकेबल होता है क्यों कैसे बाद में लर्न करो एंट्री इनवर्ड ओनली वेसल के केस में अप्लीकेबल होता है तो अब क्या होता है कि जैसे ही ओके okay, यहां पे मैंने मैनिफेस्ट दे दिया और यहां स्पेस भी अवेलेबल होगी तो ऑफिसर जो है ऑफिसर अब अपने पोर्ट का एंट्री इन्वर्ट करता है और उसको ऑर्डर देता है ये ऑर्डर को कहा जाता है एंट्री इनवर्ड कि चल भाई अब तुझे मैं परमिशन देता हूं फॉर अनलोडिंग या एंट्री इनवर्ड का मतलब परमिशन फॉर अनलोडिंग बोलो दो बार एंट्री इनवर्ड का मतलब परमिशन फॉर अनलोडिंग कि भाई अब तू आ जा डॉग पे और अनलोडिंग करना चालू कर दे और यह जिम्मेदारी रखिए कि कोई भी पर्सन इन चार्ज सुनो कोई भी पर्सन इन चार्ज गुड्स का अनलोडिंग नहीं करेगा जब तक उसको एंट्री इनवर्ड ऑर्डर नहीं मिलेगी अगर किसी ने भी गुड्स का अनलोडिंग कर दिया यहां पे मास्टर ऑफ वेसल ने गुड्स का अनलोडिंग कर दिया विदाउट एंट्री इनवर्ड ऑर्डर तो उस बंदे को इमीडिएट पकड़ लिया जाएगा जेल में डाल दिया जाएगा गुड्स को भी कॉन्फिस कर लिया जाएगा और बंदे पे पेनल्टी भी लगा दी जाएगी इसलिए यह सेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट है सेक्शन थर्टी वन कहता है नो इंपोर्टेड गुड्स शाल बी अनलोडेड इनवर्ड ऑर्डर इज ग्रांटेड तो यस yes, हम ये प्रोविजन सिर्फ वेसल के केस में देख रहे हैं आपका सवाल आ सकता है कि सर एयरक्राफ्ट और व्हीकल में क्या होगा हम वो बाद में देखेंगे वो क्या कहते हैं देखो वेसल केस में यह जिम्मेदारी मास्टर ऑफ वेसल पे बनती है शाल नॉट परमिट द अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स सर व्हाट डू मीन बाय इंपोर्टेड गुड्स इंपोर्टेड गुड्स मीन गुड बॉड इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड द गुड्स विच आर क्लियर फॉर होम कंजम्पन शाल नॉट परमिट द अनलोडिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एन ऑर्डर इज गिवन बाय प्रॉपर ऑफिसर ग्रांटिंग एंट्री इनवर्ड टू सच वेसल और इस ऑर्डर को एंट्री इनवर्ड ऑर्डर बोला जाता है जब तक उसको एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक वो अनलोडिंग नहीं करेगा प्रॉपर ऑफिसर शाल नॉट गिव एंट्री इनवर्ड ऑर्डर अरावल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैफिशियंट कॉज फॉर नॉट डिलीवरिंग इट सेकंड कंडीशन ये भी यह ये सेक्शन कहता है कि जब तक मैनिफेस्ट नहीं आएगा या वो मैनिफेस्ट न देने का रीजन नहीं आएगा तब तक वो एंट्री इनवर्ड नहीं देगा परमिशन ऑफ अनलोडिंग नहीं देगा मैनिफेस्ट आना जरूरी है या नहीं दिया गया तो उसके रीजन आना जरूरी है और थर्ड ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री इनवर्ड के ओके पहला ये परमिशन ऑफ अनलोडिंग है दूसरा ओके मैनिफेस्ट इज एंड तीसरा नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन टू अनलोडिंग ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय एयरक्राफ्ट या व्हीकल एंट्री इन की जरूरत नहीं है दैट इज ऑफिसर के परमिशन की जरूरत नहीं है अगर आपका गुड्स एयरक्राफ्ट या व्हीकल से आता है या फिर ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है या बैगेज अकम्पनिंग द पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स और मेल बैग्स पेरिशेबल गुड्स हजार डी गुड्स और एनिमल ये दो पॉइंट यहाँ पे अच्छे से समझ लो पहले तो ये प, ओके अनलोडिंग के लिए परमिशन लेना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अनलोडिंग के लिए परमिशन लेना ये सिर्फ वेसल में अप्लीकेबल है एयरक्राफ्ट और व्हीकल में नहीं है क्यों नहीं अप्लीकेबल है कि भाई समझ लो ये एयरक्राफ्ट है और ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे ओके ये एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे लैंड हो रहा है ओके okay, इंडिया में लैंड हो गया भाई साहब पहले तो आपको कहो क्या मेजॉरिटी इंपोर्ट जो होता है वो वैसल से होता है और मेजॉरिटी स्मगलिंग भी वैसल पे होती है इसलिए मैक्सिमम कंट्रोल भीसल पे रखा हुआ है अब ये एयरक्राफ्ट आया एयरक्राफ्ट ओके लैंड हुआ और लैंड होने के बाद ये इंडिया में फ्लाइट आधी घंटा रुकने वाली है ओके okay, और इसके बाद दुबई जाने वाली है वो आधे घंटे में क्या क्या करेंगे हम ओके ओके ऑफिसर को अरे सर एंट्री इनवर्ड दो ना मेरे फ्लाइट का जाने का टाइम हो गया ना अनलोड करना है ना मुझे ओके okay, अनलोड करना है और ऑफ़िसर एंट्री इनवर्ड दे ही नहीं रहा जा नहीं देता अब फ्लाइट एक घंटा दो घंटा तीन घंटा डिले हो रही है ट्राफिक हो रहा है वहाँ पे एक राफ में पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट एक राफ्ट के केस में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लड़ाना चाहती ठीक है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अनलोडिंग के लिए ऑफिसर का वेट करो ऑर्डर लो परमिशन लो पॉसिबल नहीं है इसलिए उन्होंने एयर क्राफ्ट को छोड़ दिया कि एयर क्राफ्ट में पायलट आएगा फटाफट गुड्स अनलोड कर देगा मैंने क्लियर नहीं कहा मैंने क्लियर नहीं कहा अगर कोई बंदा यह सोच रहा होगा क्लियर हो जाएगा विदाउट चेकिंग नहीं अनलोडिंग की बात चालू है वो फटाफट अनलोड कर देगा और अपनी फ्लाइट लेके निकल जाएगा ओके okay, हम अनलोडिंग की परमिशन देख रहे हैं इन अ पोर्ट एरिया तो व्हीकल के, के केस में भी ये नहीं रखा है ये सिर्फ रखा गया है यहाँ पे वेसल के केस में इसलिए एंट्री इन एंट्री इन ऑर्डर ओनली अप्लीकेबल टू वेसल ओनली अप्लीकेबल टू वेसल ठीक है दूसरा अगर आपके शिप में हाँ अगर आपके शिप में बैगेज आता है मेल बैग्स मेल बैग्स मतलब कुरियर आता है पेरिशेबल गुड्स आता है हजार गुड्स आता है तो उसके लिए भी एंट्री इनवर्ड की परमिशन नहीं है अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो समझ लो कोई पैसेंजर ये शिप में थोड़ा लाइव एग्जाम्पल लेते हैं ओके okay, मैं पैसेंजर हूँ और मैं ये शिप में बैग लेके खड़ा हूँ ओके बैगेज है बैगेज uh, शिप खड़ी है मैंने ओके okay, यहाँ पे uh, कैप्टन को पूछा कैप्टन क्या हुआ ओके okay, मुझे जाना है यार जल्दी जाना है उतरना है कैप्टन ने बोला कि सर वे, हम ओके okay, वेट कर रहे हैं एंट्री इनवर्ड का मैंने कहा क्यों वेट कर रहे एंट्री इनवर्ट का मुझे जाने दो यार मेरे पास बैगेज है बच्चे रो, देखो बच्चे रो रहे हैं सब बैगेज है कैप्टन ने कहा देखो लॉ कहता है नो इम्पोर्टेड गुड्स नो इम्पोर्टेड गुड्स शाल बी अनलोडेड अनलेस एंट्री इनवर्ड इज ग्रांटेड गुड्स इंक्लूड्स बैगेज तो मेरे शिप का कोई भी गुड्स अनलोड नहीं होगा इंक्लूडिंग बैगेज जब तक मुझे ऑफिसर एंट्री इनवर्ड नहीं देगा मैंने कहा अरे यार बच्चे रो रहे हैं यार ओके okay, कितना देर लगेगा कितना देर लगेगा तो उसने कहा कि सर दो तीन दिन तो लग जाएंगे क्या अरे मैं बैगेज लेकर खड़ा रू दो तीन दिन यार बच्चे रो रहे यार इन शॉर्ट अरे यार कभी कभी एंट्री इन इनमें दो दिन नहीं मिलता है तीन दिन नहीं मिलता है वो बैग्स कुरियर वगैरह क्या पड़े रहेंगे वैसे नहीं इसलिए अगर आपका गुड्स बैगेज होगा कुरियर होगा या पेरिशेबल गुड्स हो गए ओके पेरिशेबल गुड्स खराब हो जाएंगे यार एंट्री इनवर्ट का वेट करें हज़ार डी गुड्स हो गए एनिमल्स हो गए तो वो जो है वो अनलोड हो सकते हैं इवन दो ऑफिसर का परमिशन अभी तक नहीं आया होगा पर उसको आप इमीजिएट अनलोड कर सकते हो अब देखो आपके दिमाग की खुरापंती क्या है कोई जरूर ये सोच रहा होगा कि सर जब वेसल आया ही नहीं बर्थ प्लेस पे और बैगेज है एनिमल्स है पेरिशेबल गुड्स है हज़ार गुड्स है इनको अनलोड करना है तो कैसे करेंगे सर ऐसे ओके सी में पैर रख के थोड़ी जाएंगे ओके चलो चलो ऐसे <laughs> आप ना ओके यहाँ पे कुछ भी इमेजिन मत करना इसके लिए छोटी बोट आती है वो बोट में पैसेंजर बैठ जाता है बैग लेके करियर उसमें अनलोड जाते हो जाते हैं एनिमल्स होकर और वो बोट लेके चले जाती है इन सिंपल वर्ड लॉ ये याद रखो कि बैगेज होगा मेल बैग्स होगी पेरिशेबल गुड्स होगा हजार डीएस गुड्स होगा तो ऑफिसर के परमिशन नहीं भी मिलता है तो भी गुड्स अनलोड हो जाएगा क्लियरेंस की बात नहीं कर रहे हम अनलोडिंग की बात कर रहे हैं तभी तो गुड्स यहाँ पे अनलोड हो जाएगा ये समझा कि नहीं समझा ओके okay, तो चलिए ओके okay, तो यहां पे सेक्शन थर्टी वन क्या कहता है सेक्शन थर्टी वन कहता है कि सबसे पहले कोई भी इंपोर्टेड गुड्स अनलोड नहीं हो सकता है जब तक एंट्री इनवर्ड ऑर्डर नहीं मिलेगी एंट्री नोड ऑर्डर तभी मिलेगी जब यहाँ पे पर्सन इन चार्ज ने मैनिफेस्ट फाइल कर दिया हो और ये एंट्री इनवर्ड जो अपलीकेबल है वो ऑनली एयरक्राफ्ट और व्हीकल में अप्लीकेबल है सॉरी वेसल में अप्लीकेबल है एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में इमीजिएट अनलोडिंग हो सकती है फ्रॉम कन्वेंस विदाउट परमिशन ऑफ ऑफिसर हाँ फिर बाद में वो चेकिंग होते रहेगा क्लियरेंस होते रहेगा और कुछ गुड्स इमिजिएट अनलोड हो सकते हैं विदाउट परमिशन ठीक है तो ये था रिगार्डिंग टू यहां पे जहां तक देखा जाए हमने कॉन्सेप्ट को देखा और वो है एंट्री इनवर्ड चलो ठीक है आ, सर एंट्री इनवर्ड कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है तो प्रायोरिटी बी में रखना बी में रखना सी में भी नहीं अब ये जो है ये ठीक है मतलब नॉर्मल प्रोविजन क्या है सेक्शन थर्टी टू क्या कहता है ओके ओके मतलब पढ़ना पढ़ो नहीं है अब देखो क्या कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इन मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट अनलेस मेंशन इन मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट पढ़ लेता हूं एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर इम्पोर्टेड गुड्स दे आर रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट कैन बी अनलोडेड एट कस्टम स्टेशन ओनली वेन दे आर स्पेसिफाइड इन सच मैनिफेस्ट और रिपोर्ट फॉर अनलोडिंग एट दैट कस्टम स्टेशन कमेंट मेंशन इन आईजीएम आईजीएम मतलब लिख दो इंपोर्ट मैनिफेस्ट इंपोर्ट मैनिफेस्ट और आई आर मतलब इंपोर्ट रिपोर्ट इज अ प्रूफ ऑफ जेन नेचर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडरलाइन हाईलाइट करना इज अ प्रूफ ऑफ जेन नेचर ऑफ इम्पोर्ट गुड अदरवाइज एवरी रीजन बिलीव दैट गुड्स वेर इंटेंडेड टू भी स्मगल इन टू इंडिया और विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन कॉन्ट्रवेंशन प्रोविजन इन फोर्स ठीक है ये एक सेक्शन है थर्टी टू और सेक्शन थर्टी थ्री सेक्शन थर्टी थ्री पढ़ता हूं और फिर दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स एट द अप्रूव प्लेसेस ऑनली एक्सेप्ट विदमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर नो इम्पोर्टेड गुड शेल बी अनलोडेड एंड नो एक्सपोर्ट गुड शेल बी लोडेड एट एनी प्लेस अदर देन प्लेस अप्रूवर सेक्शन एट बाई कमर दैट इज बर्थ प्लेस बी आई आर टी एच मत करना बी आर टी एच बर्थ प्लेस या डॉक ओके समझाता हूं समझाता हूं बर्थ प्लेस और डॉक और उसके बाद में सेक्शन थर्टी फोर तीनों सेक्शन साथ में लेता हूं

चलिए देखो अब समझ लो मैं ऑफिसर हूं ऑफिसर क्या होता है जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो समझ इंपोर्ट कर रहे हो अनलोडिंग हो रहा है या एक्सपोर्ट कर रहे हो जो भी है पहले एग्जांपल देते इंपोर्ट का इंपोर्ट करते वक्त ओके यहां ऑफिसर की तीन जिम्मेदारियां है थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी टू क्या कहता है थर्टी टू कहता है कि वही गुड्स अनलोड होगा जो आपने मैनिफेस्ट में दिया है तो मैनिफेस्ट में कहा है, है।, है बताओ हाँ ये कार्गो मेंशन है ये इम्पोर्टर का है ये है इम्पोर्टर ओके वी स्मार्ट एकेडमी का कार्गो दूसरा कार्गो दूसरा कार्गो यहाँ पे एलजी का है ठीक है तीसरा कार्गो तीसरा कार्गो यहाँ वर्लपुल कंपनी का है, जो भी है चलो अनलोड करते जाओ तुमने सब दिया हुआ है सारी कार्गो लिस्ट दी है चलो और वही गुड्स अनलोड होगा जो मैनिफेस्ट में है अगर आपके कन्वेंस में कोई ऐसा गुड्स दिख गया या रिपोर्ट में कोई ऐसा गुड्स दिख गया जो मैनिफेस्ट में नहीं है पर आपके कन्वेंस में है तो वो जेनुइन मैनिफेस्ट नहीं माना जाएगा और जो भी गुड्स एक्स्ट्रा दिखा वो स्मगल गुड्स मान लिया जाएगा और उसको इमीडिएटली जब्त कर लिया जाएगा तो मैनिफेस्ट शोज द जेन ऑफ द गुड्स इन कन्वेंस में गुड्स कार्गो, कार्गो, तो का अनलोडिंग करने देगा जो मैनिफेस्ट में दिया है ठीक है ये कहता है सेक्शन थर्टी टू उसके बाद में आपकी अनलोडिंग पूरे कस्टम्स एरिया में कहीं पे भी नहीं हो सकती आपकी अनलोडिंग जो अपॉइंटेड प्लेस है बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन एट जिसको बर्थ प्लेस या डॉक कहा जाता है वहीं अनलोडिंग होगी बाकी दूसरे प्लेस पे आप जब तक हमारा ऑफिसर या CBI सी बी आई सी परमिट ना करें लैंडिंग स्पेस के अलावा या बर्थिंग प्लेस के अलावा दूसरी जगह अनलोडिंग नहीं होगी नेक्स्ट आपकी अनलोडिंग जो होगी अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर यानी जब भी वेसल से अनलोडिंग होगा एयरक्राफ्ट से अनलोडिंग होगा ओके तो ऑफिसर वहां मैनिफेस्ट लेके खड़ा हो जाएगा और वो मैनिफेस्ट लेके खड़ा होने के बाद वो अनलोडिंग चेक करेगा हाँ लेकिन जो रेगुलर इंपोर्टर है ओके जो रेगुलर इंपोर्टर है या जो ई यू के इम्पोर्टर है या एसीजेड है तो रेगुलर इंपोर्टर अगर होगे और जिसके उप, जिसने कोई स्मगलिंग की हिस्ट्री नहीं है जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो उनका अनलोडिंग ऑफिसर की चेकिंग के बिना भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ज़रूरी नहीं कि ऑफिसर का सुपरविज़न ही चाहिए बस वो गुड्स अनलोड हो जाएगा कस्टम्स एरिया में फिर क्लियर करेंगे बाद में लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट अनलोडिंग के वक्त है पहली रिक्वायरमेंट ओके वही गुड्स अनलोड होगा जो मैनिफेस्ट में दिया है मैनिफेस्ट okay, में नहीं होगा तो स्मगल गुड्स मान लिया जाएगा दूसरा अनलोडिंग लैंडिंग स्पेस पे ही होगी और तीसरा ओके okay, यहाँ पे अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर होगी ये तीनों सेक्शन हमने यहाँ पे देखे जनरल पढ़ लेना एग्जाम के हिसाब से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हाँ प्रोसीजर में आपको दिए है तो ये तीनों सेक्शन हमने यहाँ पे देख लिया ठीक है उसके बाद में <laughs> यहां पे आ जाओ रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स बींग वाटर बॉन चलो आज का डिस्कशन में ये कॉन्सेप्ट लेते हैं अब लास्ट में रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स बींग वाटर बॉन वाटर बोर्न मतलब क्या इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय बोट और बार्ज और लाइटर और लाइटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय बोट बार्ज या लाइटर तीन नाम है आप कोई भी यूज कर सकते पर तीनों याद रखना काम के तो ये जो होती है बाय बोट बार्ज या लाइटर द बोट बार्ज या लाइटर तो ये जो है ये इसको कहते हैं लिख दो डायग्राम में बोट बार्ज या लाइटर इसको तीनों में से कोई भी एक नाम पर तीनों याद रखे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है अब ये क्या बोलता है देखो यहां पर बोट बार या लाइटर तो चलिए अब ये क्या कहता है देखो यहाँ ध्यान से सुनना होता क्या है बहुत सी बार जो हमारा बर्थिंग प्लेस है डॉक है ये बिजी होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों भी सुनो यहाँ पे दोनों भी <coughs> हाँ बेटा किसी को अगर जाना है तो ये जो है आप इतना पोर्शन बाद में देख लेना बस दस मिनट है ठीक है बाद में देख लेना ठीक है अभी यहाँ पे देख लो पर मैं ये कंप्लीट करूँगा अब ये पोर्ट अगर बिजी होगा और एक शिप आई हुई है इस शिप को दो तीन दिन एंट्री इनवर्ड मिलने वाला नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी शिप क्यों में है पर अब ये ना इंडिया में इतना रुक नहीं सकता क्योंकि इसका नेक्स्ट कॉल श्रीलंका है इसको श्रीलंका जाना है वहाँ पे भी डिलीवरी देना है तो वो इंडिया में तीन दिन तो रुक ही नहीं सकता अब वोट बिजी होगा तो मैं क्या करूँ मुझे तो जाना है ओके okay, तो कभी कभी तो आठ दिन लग जाएंगे या सेकंड केस कभी कभी इतना बड़ा शिप है कि ये डॉक पे नहीं आ सकता क्योंकि डॉक छोटा है विशाखापट्टनम ले लो डॉक छोटा है ओके okay, और ये बड़ा शिप नहीं आ सकता है डॉक पे तो ऐसे सिचुएशन में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर बोन कहते हैं वाटर बोन मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटी बोट यूज़ की जाती है अब मैं वर्ड जो यूज़ करने वाला वो ये है कि जब मदर वेसल किसी रीज़न के वजह से पोर्ट पे नहीं आ पा रहा है तो वो सिचुएशन में छोटी बोट यूज़ की जाती है जिसको बर्ट बर्श लाइटर या बोट यूज कहा जाता है और इससे गुड्स अनलोड किए जाते हैं या लोड किए जाते हैं तो लॉ क्या कहता है लॉ ये कहता है कि ये जो जब भी छोटी बोट यूज़ की जाएगी फ्रॉम मदर वेसल गुड्स अनलोडिंग के लिए लोडिंग uh, के लिए क्योंकि मदर वेसल नहीं आ पा रहा है पोर्ट पे तो हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन है और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट नो इम्पोर्टेड गुड्स शाल बी वाटर बोन वाटर बोन मतलब ट्रांसपोर्टेड बाई बोट बार्ज और ओके यहाँ पे लाइटर ओके नो इम्पोर्टेड गुड्स बाहर से लाया हुआ कोई भी गुड्स वाटर बोन नहीं हो सकता फॉर बिंग लैंडेड फ्रॉम एनी वेसल या नो एक्सपोर्ट गुड्स विच आर नॉट अड बाय शिपिंग बिल शेल बी वाटर बोर्न और बिंग शिप अनलेस गुड्स आर अम्पनीड बाय बोट नोट उसकी जब तक बोट नोट नहीं होगी तब तक वो वाटर बोर्न नहीं हो सकता सर तो थोड़ा और क्लैरिफाई करो मतलब कुछ नहीं जो भी गुड्स अनलोड होगा ओके यानी यहाँ ये मदरशिप से बोट में आएगा तो मदरशिप से बोट में आने के लिए बोट में अनलोड होने पर एक नोट बनेगी कौन कौन से कंटेनर लोड हुए उस नोट को बोट नोट कहा जाएगा और यह बोट नोट के साथ ही गुड्स आगे बढ़ेगा ओके okay. अगर कोई बोट सी एरिया में घूम रही है, और उसकी बोट नोट नहीं है तो उस बोट को पकड़ लिया जाएगा और स्मगल गुड्स माना जाएगा इतना कंट्रोल होता है कस्टम्स एरिया में तो यह भी रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि कोई भी बोट ओके okay, अगर गुड्स ले जा रही है या ला रही है तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट उसके पास होना जरूरी है जिसे कहते हैं बोट नोट लेकिन अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको देखो वो क्या कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स पे बोट नोट तो चाहिए ओके okay, और ये सिर्फ वेसल के केस में अप्लीकेबल है क्योंकि एक के केस में बार्ज नहीं हो सकते क्योंकि ऊपर ऊपर है फिर छोटा सा एकफ्ट गया ओके okay, गुड्स डाल दे फिर वो छोटा एक क्राफ्ट लेके आ गया एक पॉसिबल नहीं और व्हीकल में भी नहीं है. इसी वेसल के केस में अप्लीकेबल होता है ओके okay, तो इंपोर्टेड गुड्स होगा तो बोट नोट जरूरी है और एक्सपोर्ट गुड्स होगा जिसका शिपिंग बिल उसके साथ नहीं है अगर शिपिंग बिल नहीं होगा तो बोट नोट जरूरी है तो यहां पे अगर वहां स्पेस होगा नीचे तो एक चार्ट बना लो वहां पे ही चार्ट बना लो स्पेस होगा तो ओके परमिशन विदाउट बोट नोट पर इसके नीचे जो है एक चार्ट बना लो यहां स्पेस होगा नहीं तो सेपरेट स्टिकी नोट्स पे बना लेना ठीक है चार्ट देखो टाइटल दो गुड्स बीइंग वाटर बोन ट्रांसपोर्टेड बाय बोट बार्ज और लाइटर दो पार्ट को इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स इंपोर्टेड गुड्स लिखो बोट नोट इज मैंडेटरी इज मैंडेटरी और एक्सपोर्ट गुड्स इसमें दो पार्ट करना इफ अकंपनीड बाय शिपिंग बिल कंपनीड बाय शिपिंग बिल एंड सेकेंड इफ नॉट अकंपनीड बाय बाय शिपिंग बिल ठीक है इफ बाय शिपिंग बिल नो बोट नोट इज रिक्वायर्ड इफ नॉट अकंपनीड बाय शिपिंग बिल बोट नोट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड मैंडेटरीली रिक्वायर्ड बोट नोट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड मतलब इंपोर्टेड गुड्स के लिए बोट नोट चाहिए एक्सपोर्ट गुड्स के लिए शिपिंग बिल नहीं होगा तो बोट नोट चाहिए और बोर्ड के पास पावर है कि वह जनरल या स्पेशल परमिशन से बोट नोट का छूट दे सके ओके okay, यानी अगर रेगुलर इंपोर्टेड हो तो बोट नोट का वो छूट दे सके डन तो चलिए ये हमने सेक्शन थर्टी फाइव देखा और मैं रिवाइज कर दूँगा नेक्स्ट सेशन में अब आते हैं यहाँ पे, आज का सेशन हम एंड करेंगे ठीक है आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे किसी को कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है किसी को कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है अनलोडिंग एट एयरपोर्ट और एट पोर्ट के आफ्टरवर्ड इश्यू होते हैं तो देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल तो थोड़ा मैं कल ये फ्लो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो अनलोडिंग के तक पर्सन इन चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है और अनलोडिंग के बाद पोर्ट एरिया या इंपोर्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो तो बेटा इंफ्रा सी का तो इंफ्रा बनाया जाता है पोर्ट से कनेक्टेड ही इंफ्रा बनाया जाता है सी का कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा दूर भी हो पर जनरली पोर्ट के नजदीक होता है सीएफएस का इंफ्रा और कोई क्वेश्चन हाँ और कोई क्वेश्चन बोलिए बेटा चलिए तो आज जितना हमने पढ़ा प्लीज 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 पढ़ना ओके okay, तो कल का डिस्कशन और समझ में आएगा नहीं तो कल बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग हो जाएगी इसलिए प्लीज प्लीज पढ़ना नहीं स्टार्टिंग में नहीं जाता है वो लैंडिंग स्पेस पे अनलोड हो जाता है सीएफएस में और बाद में जाता है आईसीडी के चार्जेस लगते हैं ना आईसीडी पे जब ट्रांसफर होता है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं आईसीडी के चलो आ, कल का सेशन सॉफ्टवेयर में ही होगा हमारे लेकिन अगर कोई रीजन की वजह से नहीं हो पाया तो मैं आ, आपको यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ओके तो आधे घंटे पहले यूट्यूब लिंक आ जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो अनलिस्टेड रहेगी जो पब्लिक नहीं रहेगी पर मोस्टली कल का सेशन ऐप में ही रहेगा पॉइंट नंबर टू यहाँ पे अगर आपको बुक नहीं मिली होगी तो डिस्पैच को सिक्स टू सेवन डेज तो लगते हैं बेटा तो अभी जो डिस्पैच आएगा वेट होगा नहीं आया तब तक तो मैं आपको लॉगिन में वो चैप्टर शेयर कर दूंगा डोंट वरी और पर सिक्स टू सेवन डेज तो डिस्पैच को लगते हैं नेक्स्ट यस क्वेश्चन भी डिस्पैच हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे वो भी डिस्पैच हो चुके हैं जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों सर आपकी वजह से आईडीटी एक्ट हो गया थैंक यू थैंक यू ऋषभ चलो तो यहां रुकते हैं और जो भी ये सेशन देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ओके बाय गुड नाइट घर पे जरूर पढ़िएगा